डन। चलिए, सो टुडे हमारा जो पूरा सेशन है इसका फोकस इस चीज पे है कि जब भी हम एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बहुत सारी हैं एंड आप सब लोगों ने 6th से लेकर 12th तो पास की है, तो कितनी सारी एनसीईआरटीज हैं। अगर हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज जाएं, एनसीईआरटीज लगभग 25 से 30 हैं हिस्ट्री हिस्ट्री की। अगर आप अलग अलग क्लासेज में जाएंगे, अलग अलग बोर्ड्स में जाएंगे, विच आर लिटरली रेलिवेंट फॉर आर एग्जाम। तो आज समझेंगे पहले सबसे अच्छे तरीके से कि ऑप्शनल जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जैसे अब हिस्ट्री ऑप्शनल का बात करते हैं, सबसे पहला पार्ट क्या आता है? एंशियंट हिस्ट्री। एंड एंशियंट हिस्ट्री इज रफली द एरिया जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम हमें पता चलता है वट इज द सोर्स ना एकदम से। फिर अशोका आ जाते हैं अपना धम्मा लेके कि ना वट इज धम्मा, है ना, ज्ञान। इवेंचुअली वी लर्न अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैक्सिमम चीजों पर जो क्लैरिटी नहीं है ना जिस पार्ट में हिस्ट्री में, उसको हम क्या बोलते हैं? एंशियंट हिस्ट्री। किसने क्यों किस लिए किया? मैनी ऑफ यू आर कंप्लीटली न्यू। डायरेक्टली जब हम मेजर क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो बहुतों को क्लू होता ही नहीं कि क्या चीज है। तो इसलिए आप सब लोगों को मैं समझाना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द सिलेबस कि एंशियंट इंडिया का सिलेबस क्या है, हम इसका बात करेंगे। सेकेंड, एनसीईआरटी से कैसे हमने इस बार, मैंने पूरा रिसर्च किया इसके ऊपर बैठ के कि हिस्ट्री ऑप्शनल में अगर हम एनसीईआरटी सारी ठीक से करते हैं, मर्ज करके पढ़ाई करते हैं, तो उसके अंदर पहला टाइम कितना लगता है, सेकंड वो फ्रूटफुल कितना रहती है। फ्रूटफुल बहुत से इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई भी ये तो नहीं है ना कि मुझे ज्ञानी बनना है, आके पास होना है, एक अच्छी जॉब चाहिए, जल्दी चाहिए, है ना, बिकॉज लाइफ इज रनिंग अवे। इवेंचुअली अगर वो सारी चीजें करनी, सबसे पहले क्या जानना है? सिलेबस, है ना। गुड आफ्टरनून टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो नंबर वन, इट इज अबाउट सोर्सेस। दो तरीके के सोर्सेज हैं जो लार्जली हम बात करते हैं। फर्स्ट इज आर्कोलॉजिकल एंड सेकेंड इज द लिटरेरी सोर्सेज, है ना, इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। सो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं कि इनके बारे में पता कैसे चलता है। सो वी टॉक अबाउट एक्टिविटीज लाइक एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशन, एज वेल एज एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग साइंसेस डेवलप हुई है। एक जो सबसे फेमस बुक है एंशियंट इंडिया के लिए, दैट इज उपिंदर सिंह, सबसे ज्यादा। उसका भी सेकेंड एडिशन आया नया नया, है ना, बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं हुआ। आप क्या चेंज कर लोगे उसमें, एकदम से अशोका का नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना, अनलेस कोई बहुत बड़ी रिसर्च बाद में हो। बट एनीवे, उसमें ये सब चीजें अच्छे से कवर्ड है। बट इनकी जो फाउंडेशन होती है ना, वो एनसीईआरटीज में सबसे ज्यादा रेलिवेंट रहती है। व्हेन समबडी आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्क्रिप्शन एंड लिटरेरी सोर्स, लिखा तो दोनों में होता है। अगर हम इस लेवल पे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्क्रिप्शन एंड लिटरेरी सोर्स, लिखा तो दोनों में है, क्या डिफरेंस है? तो वो चीजें एनसीईआरटी में होती है कि इंस्क्रिप्शन आर ऑलवेज एनग्रेव्ड ऑन ए हार्ड सरफेस, इसलिए उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अगर वो बेसिक आपके कागज के पन्ने पे लिखा हुआ है, पाम लीव्स पे लिखा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? लिटरेरी सोर्स बोलते हैं। चेंजिंग इंस्क्रिप्शन इज वेरी डिफिकल्ट। बुक्स में लिटरेरी सोर्स को चेंज करना तो रिलेटिवली बहुत आसान है, एक पेज और ऐड कर दो, है ना, आगे पीछे डिपेंडिंग अपॉन क्या आप करना चाहते हो। बट एनी वे, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज आप मेरे साथ लर्न करना सीखेंगे। आप सब लोग बहुत नए हो, ये चीज समझ लो, इस एग्जाम में क्लियरेंस करना आसान नहीं होता, बट उसको मैं जितना आसान बना सकता हूं आप लोगों के लिए इस ऑप्शनल में वो बना दूंगा। और आप लोग बस क्या करेंगे, सीरीज को पूरा तरीके से करेंगे। बहुत लोगों ने कहा एनसीईआरटी है, हम तो आगे वाले लोग हैं भाई, हम तो यूनिवर्सिटी पास करके आ गए, हम सब लोग एनसीईआरटी क्या जरूरत है? अभी बताता हूं आपको एनसीईआरटी की जरूरत क्या होती है, क्यों पढ़ना चाहते हैं हम इसको। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, दीज आर द टर्म्स विच वील अंडरस्टैंड इन द ड्यू कोर्स। बट आप सबको पता होगा जब राइटिंग की इन्वेंशन नहीं हुई थी वो क्या था? प्री हिस्ट्री था। जब राइटिंग की इन्वेंशन हुई एंड इवेंचुअली उसको हम लेकिन आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री है। लेकिन इन वर्ड्स का जो मीनिंग है ना, वो सिलेबस के हिसाब से चेंज होता है। आप हिस्ट्री बोल रहे हो तो इनका मीनिंग अलग है, आर्कोलॉजी बोलोगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। आर्कोलॉजी में कहते हैं द बिगिनिंग ऑफ द फूड प्रोडक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। अब इसके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग। थर्ड, इट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सबसे बड़ा एनिग्मा है इंडिया के अंदर आज तक भी, है ना, क्या चाहते थे, क्या करते थे, क्यों करते थे, रिलीजन क्या था इनका, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओरिजिन, डिक्लाइन, मेगालिथिक कल्चर्स इन द साउथ, आर्यन एंड वैदिक पीरियड। अगेन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एरा इज आर्यन एंड वैदिक पीरियड। क्यों कॉन्ट्रोवर्सी है? हम उनका एथनिक नहीं समझ पाए आज तक, एग्जैक्टली बिल्कुल आज तक डायरेक्ट साइंस कोई नहीं निकली है, ठीक है, सब चल रहा है कि हाँ सेंट्रल एशिया से आए थे, आर ए वन जीन से उनसे कनेक्टेड है। इनके साथ फिर कॉन्ट्रोवर्सी चलती है
कि वर दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इसी के ऊपर यूपीएससी ने इस बार एक क्वेश्चन पूछा है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। विल टॉक अबाउट देम, पीरियड ऑफ महाजनपदा, मौर्य, पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य इट्स वहां पे जाके थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है, बिकॉज इवेंचुअली यहां तक सब आसान था, है ना। पीरियड ऑफ महाजनपदा 16 है, सबसे बड़ा मगधा हो गया, फिर एकदम से मौर्य, अशोका, ठीक है रिलैक्स, एकदम से आया पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य में हमें बहुत सारी थीम्स पढ़नी पड़ती है, राइट, बिकॉज द इन्वेडर्स इंडो ग्रीक, शाकास, पहलवास, कुशांस वहां से आ जाएंगे। इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली हमें पढ़ना पड़ता है शुंगा के बारे में पढ़ना पड़ता है, कन्वा के बारे में पढ़ना पड़ता है, डेकन में जाएंगे सतवाना के बारे में पढ़ना पड़ता है, साउथ में जाएंगे तो हमारे तीन मेजर लिनियजेस हैं, है ना, कौन कौन से, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। व्हाट आर द चेंजेस इन द सोसाइटी, इकोनॉमी, इवेंचुअली वो सारा एक हमें स्टार्टिंग से लेकर अभी तक समझना पड़ेगा। अर्ली स्टेट सोसाइटी, तो यहाँ पे हम तमिल स्टेट के बारे में समझते हैं। संगम एज, लॉट्स ऑफ एक्सकवेशन आर गोइंग ऑन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, न्यू नॉलेज इज इमर्जिंग एवरी सेकेंड मंथ, आप देखो कोई ना कोई रिपोर्ट आती रहती है। ये सारी हमें पढ़नी पड़ती है ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कुछ कवर्ड है, आज मैं आपको दिखाऊंगा। गुप्तास, वकाटकास, वर्धनास, गुप्त वकाटकास और वर्धनास में तो आई थिंक क्वेश्चन ही नहीं आया, पता नहीं कितना टाइम हो चुका है। अब जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो एक चीज ये भी जाननी पड़ती है, इस सिलेबस की यूटिलिटी कितनी है, सबसे बड़ी यूटिलिटी कौन दिखाता है, जो क्वेश्चन पेपर में आता है, यूटिलिटी वही है। अगर आप ठीक से देखोगे पिछले 5 साल के पेपर तो आपको समझ में आएगा कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देन रीजनल स्टेट जितनी भी है, गुप्ता एरा, एंड फाइनली वी हैव थीम्स इन अर्ली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री। दिस इज द सिलेबस, जिस सिलेबस को हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बस ब्रीफली दिखाता हूं किन किन थीम पे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, जल्दी से बस उसको थीम्स को देखते। नंबर वन क्वेश्चन, इट हैज कम ऑन विच थीम, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज पे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेसिक है, इट रिप्रेजेंट्स अ रेवोल्यूशन ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड एग्जामिन। अभी हम ज्यादा हिस्टोरियोग्राफी के अंदर नहीं जाएंगे, बस बेसिक लेवल पे पकड़ेंगे कि हाँ चलो पॉइंट्स क्या इसमें जनरेट कर सकते हैं। सेकंड, इट इज अबाउट इंडस सरस्वती कल्चरल जोन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ना दोनों नाम यूज करते हैं। एग्जिबिटेड बोथ होमोजेनिटी एज वेल एज डायवर्सिटी, कि मतलब कुछ चीजों में इसमें होमोजेनिटी है, जैसे अगर हम इनकी बात करें स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट इज होमोजेनस इन नेचर, द ब्रिक्स दैट दे वर यूजिंग फॉर मेकिंग देयर हाउस इट वाज अगेन होमोजेनस, बट कल्चरल डायवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है इसके अंदर जो हमें समझनी है, जैसे कि मान लो रिलीजन है, ऑल द डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, है ना, बरियल सिस्टम्स अलग अलग है। सी दिस क्वेश्चन नाउ, हाउ डू द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस एंड वास्ट कॉर्पस ऑफ वैदिक लिटरेचर हेल्प टू डिटरमाइन द आर्यन प्रॉब्लम इन इंडियन हिस्ट्री। अब ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, ऊपर के दो ठीक है कि ठीक है चलो मिठाई की तरह हम खा सकते हैं, हमें पता भी है 4-5 पॉइंट दोनों के अंदर। यहां पे आते ही एकदम से क्वेश्चन कि भाई कौन सी आर्यन प्रॉब्लम आ गई, अब नहीं, अब कहां से पॉइंट जनरेट करें। अभी आपको एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कर रखी है चीजें, राइट, दोज पीपल हु स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस उनको बोलते क्या है, दिस इज ऑल्सो मेंशन इन एनसीईआरटी, अभी पिक्चर्स के साथ देखेंगे, अच्छा मजा आएगा, कलरफुल क्लास। हाउ फार द संगम लिटरेचर एक्ट्स एज अ विंडो इनटू द सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट साउथ इंडिया। एवरी ईयर वन क्वेश्चन विल कम फ्रॉम साउथ इंडिया, चाहे वो मेगालिथिक से आएगा, चाहे वो आपका संगम से आएगा या फिर पल्लवास से आएगा, तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है, थीम्स आर कंप्लीटली फिक्स। एनालाइज द कंटूर्स ऑफ इंपीरियल आइडियोलॉजी एज एग्जिबिटेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। नाउ ऑल ऑफ अस नो अबाउट अर्थशास्त्र, वी ऑल ऑफ अस नो अबाउट मेगास्थनीस, हिज इंडिका, वी नो अबाउट अशोकन एंड हिज इंस्क्रिप्शंस, व्हेन वी कंबाइन ऑल ऑफ देम इवेंचुअली वी कम टू अंडरस्टैंड देयर इंपीरियल आइडियोलॉजी व्हिच वाज आल्सो शिफ्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनालिटी, कि चंद्रगुप्त मौर्य की अलग थी, देन द रूल ऑफ अशोका इट वाज कंप्लीटली स्टार्क एंड डिफरेंट टू हिम। देन Evaluate the status of women. Now these are the kind of questions जहाँ पे NCERT थोड़ी सी weak हो जाती है, because बहुत specific question है. Status of women in the Gupta period as compared to the pre-Gupta era. जो जो भी trend specific questions हैं वहाँ पे NCERT थोड़ा सा weak हो जाएगा. Next topic, analyze the tenet spreads and the impact of bhakti movements. Now bhakti movements, there are so many manifestations of bhakti in India. Starts from South India and all the way comes to the North India by 15th and 16th century. तो अब ऐसे टॉपिक्स हैं, मिक्स रहता है, एंशियंट में पूछ लेते हैं और मिडिवल में पूछ लेते हैं, इनके मन के ऊपर है, जिस जहां मन किया वहां पे क्वेश्चन डाल देंगे।
हाउ फॉर द टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द चोलास बिकेम मोर रिफाइंड एंड ग्रैंडियोस एज कंपेयर टू अर्ली साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड फाइनली इज इट करेक्ट टू से दैट पोस्ट गुप्ता पीरियड वॉज रिमार्केबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रिलीजियस कल्ट्स इन इंडिया. ये फिर से थीमेटिक वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे स्टेटस ऑफ वुमेन, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन. इन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से करना डिफिकल्ट होता है, बट रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस वी कैन गेट वेरी गुड पॉइंट्स डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. अब मैं बस आपको दो मिनट में आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि व्हेन वी राइट आंसर्स, तो हमें आंसर्स के अंदर लिखना क्या क्या होता है, किन किन चीजों पर ध्यान देना होता है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द एनसीईआरटी. फर्स्ट थिंग ऑल ऑफ अस नो, वी हैव टू राइट गुड इंट्रोडक्शन. सेकेंड, we have to create a body structure. Body structure will depend upon what has been asked, hai na, kya pucha hai uske basis pe banega. Then conclusion, since it is a paper of history optional, so naturally there will be some amount of historiography. If you want to become the topper, 300 marks ke upar ja rahe ho, to kuch innovation bhi leke aani padegi. Innovation mein kya cheez aati hai? We make maps, we make certain charts, diagrams. लगभग यही चार पांच चीजें हैं अच्छी आंसर राइटिंग करने के लिए, और यही एलिमेंट्स आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द एनसीईआरटीज इटसेल्फ. अब देखते हैं क्वेश्चन वाइज हाउ द एनसीईआरटीज आर हेल्पफुल इन एंशियंट इंडिया, ताकि आप इनकी रिस्पेक्ट करने लगे, बिकॉज अभी तक रिस्पेक्ट नहीं आ रही है, वर्शिप वाला मोड नहीं आ रहा है, भक्त बनना पड़ेगा एनसीईआरटीज का. बिकॉज देखो जो बेसिक लेवल हिस्ट्री ऑप्शनल का है, अगर 9 क्वेश्चन है एंशियंट इंडिया में, तो 7 क्वेश्चन तो डायरेक्टली इसके थ्रू फिनिश हो रहे हैं. एक चीज की थोड़ी लैकिंग है, वो है हिस्टोरियोग्राफी, बिकॉज ये लिखी जाती है जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हिस्टोरियोग्राफी थोड़ी लैकिंग होती है, बट बाकी जितने भी एस्पेक्ट हैं इन सब में खड़े उतर रहे हैं ये लोग. इंट्रोडक्शन आर गिवन वेरी वेल, बॉडी इज देयर, कंक्लूजन इज देयर, फाइनली इवन इनोवेशन इज गिवन वेरी वेल. अब देखिए, Neolithic age represents a revolution due to significant changes that took place during this period. अगर हम इस snippet को देखें, ना, all of these are taken from NCRT. अब NCRT काफी सारी है, मैं last में आपको बताऊं किस किस NCRT से मैंने क्या क्या लिया, तो देखो इसको एक बार अच्छे से पहले. Neolithic period marked the beginning of agriculture and animal domestication. It is an important phase in Indian history. If you want to write a very basic level introduction, can you write this? Yes, and it is directly with the theme of the क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट वट, इट इज टॉकिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन. इन्होंने उसको भी एक्सप्लेन किया है, अर्ली एविडेंस. अब देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि सिर्फ इंडिया के एग्जाम्पल देने. अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे, एंशियंट इंडिया तो हमारा टॉपिक तो है, बट डू वी सी एनीथिंग रिटन इंडिया हेयर, इट मीन्स दैट वी कैन ईजली राइट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूलिथिक पीरियड फ्रॉम द अदर क्रॉस कल्चर्स. सो दैट इज समथिंग विच दे हैव मेंशनड. Early evidence of Neolithic culture is found in the fertile crescent region of Egypt as well as Mesopotamia. Now this is the information जो कि अच्छे से उपिंदर सिंह में भी नहीं mention की हुई है, इतने easy lucid language में. और ये आपके introduction के just बाद वाला अगर paragraph होगा, चार चांद लग जाएंगे. NCRT से हमें extract करना पड़ता है भाई, this is how it is important. And you have to understand. और जब क्वेश्चन आते तब समझ में आता कि यार हाँ यार ये तो यहीं से ही है. The Indus region, Ganges Valley of India and also in China between 10,000 BC to 5,000 BC, agriculture emerged in these regions which led to several cultural development. Because whenever we say revolution, it means it's going to have a big bearing on socio, economic, cultural and sometimes even on the political creative of those areas. The introduction of the domestication of animals and plants resulted in production of supply of a large quantity of grains and animal food. The fertile soil deposited by rivers enhanced the growth of agriculture, generating a surplus of grains. Surplus is the most important keyword which we utilize for the Neolithic period, because aage jo civilization banegi kiske basis pe banti hai? Surplus. Without surplus there is no civilization. That keywords you can easily identify it. Surplus food production played a major role in the rise of early civilization. Large villages came to exist and pottery developed. Permanent residences were built. Hence, the cultural development of this period is called Neolithic Revolution. So, can you see this question directly resembles in these two paragraphs?
जस्ट टू पैराग्राफ्स। जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फ्लो, कि फ्लो कैसा बनेगा, फ्लो कहां से बना। एनसीईआरटी ने आपको दो पैराग्राफ में इसका पूरा आंसर समझा दिया, एंड दिस इज नॉट इट। ये अब एक एनसीईआरटी से हमने लिया, ठीक है। दूसरी एनसीईआरटी क्या कर रही है, इट इज राइटिंग अबाउट न्यूलिथिक पीरियड, व्हाट इज द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन, देन मेंशनिंग पॉलिश स्टोन एक्सेस और न्यू काइंड ऑफ टूल्स। साइमल्टेनियसली वी ऑल्सो सी द कंटिन्यूटी ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ग्रुप्स, प्लस को एग्जिस्टेंस ऑफ हंटर गैदरर विद द न्यू एज एग्रीकल्चर। सी दिस पार्ट, इन व्हाट वे द ग्रेन वर नाउ टू बी यूज्ड। अब ये चीज नहीं होती आपके उपेंद्र सिंह में, कैसे यूटिलाइज किया गया। हमने लिख दिया कि हाँ कल्टिवेशन, देवर यूज एज सीड्स, एज फूड, एज गिफ्ट, एज वेल एज स्टोर्ड फॉर फूड फॉर द फ्यूचर कंजम्पशन। नाउ इफ समबडी क्रिएट्स अ बॉक्स और आंसर राइटिंग में ऐसे लिख दे, लिटरली योर आंसर विल बिकम बेटर देन अदर्स। और ये सारी चीजें मैंने एनसीईआरटी से पिक करी, कुछ भी एडवांस बुक से नहीं। यस आई अंडरस्टैंड, जब हम एडवांस बुक्स की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है न्यूलिथिक एज के ऊपर किसने रिसर्च करी। ऑल ऑफ अस नो कि हाँ दिस कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन कम्स फ्रॉम वी गॉर्डन चाइल्ड, उन्होंने इसके बारे में बात किया। आई थिंक एवरीबॉडी नोज दिस, ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आर्कोलॉजिस्ट, और उन्होंने ये बात किया इसके बारे में। ही रोट द बुक मैन मेक्स हिमसेल्फ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवेंचुअली ये सारी चीजें आई। बट अगर हम उस एक एक्सपेक्ट को छोड़ दें और डायमेंशंस देखें तो यार एनसीईआरटी क्लियरली इज विनिंग इन बेसिक टॉपिक्स, इट इज क्लियरली विनिंग। ये देखें, नाउ दे आर डिफाइनिंग व्हाट इज डोमेस्टिकेशन, स्पेसिफिकली डोमेस्टिकेशन के ऊपर उन्होंने पूरा अच्छे से दिया हुआ है कि किस तरीके से करते थे। प्लांट एंड एनिमल टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज जो डोमेस्टिकेटेड होता है उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है इट स्टार्ट्स चेंजिंग। यू मस्ट हैव सीन घर पे पेट है ना, योर पेट डॉग एंड द डॉग ऑफ द वाइल्ड, दोनों में जेनेटिक बहुत बड़ा चेंज है, उनकी हरकतें चेंज हो जाती हैं। इनफैक्ट जो पेट होता है तो मोस्टली दे वांट टू बी ट्रीटेड जस्ट लाइक ह्यूमंस, राइट। इवेंचुअली जो बाहर वाले उसका अपना एक अलग स्ट्रक्चर, दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Such things are covered directly in the NCRTs की कैसे domestication के लिए perspectives कहां से निकल के आए, कौन कौन से area में domestication ज्यादा हुआ, ठीक है। Then next thing, when you talk about innovation, that is map. What do you wish? Map आपको अच्छे से दे रखा है। अगर हम बात करें, अगर Neolithic में कभी भी आपको map बनाना है, you have to follow the reasons. Like if you see northwest, which the most important site is Mehrgarh. Mehrgarh is famous for one more thing, one very important thing. Again, it is given in the NCRT. Early dentistry in the Neolithic Mehrgarh. They have mentioned here that from the Neolithic period, people began to eat ground grain and cooked food, which caused what kind of problem? Dental and other problems. है ना, सारी cavity वगैरह की जड़ यहीं से शुरू हुई, खाना बंद कर दे, right? So we changed the earliest evidence for drilling of human tooth. Of a living person, ऐसा नहीं dead का, of a living person has been found at Mehrgarh. It is seen as a prelude to dentistry. अब वो debate चलती रहे कि dentist doctor होते हैं नहीं होते हैं, that is different, है ना, वो दुनिया अलग है। लेकिन अगर हम बात करें medical science की, so if we see something as a revolution, it means there are also changes with respect to the science. अब ये science है, science के साथ में जब भी हम बात करें तो हमें सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करना पड़ेगा। लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ इन्वेंशन ऑफ व्हील। देखो पूरे वर्ल्ड का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इट इज बिल्ट अपॉन व्हील्स। मोदी जी बात करते हैं कि नहीं ट्रेन लेके आएंगे, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, सब कुछ स्टार्ट कहां से हुआ है? बिकॉज ऑफ द व्हील्स। विदाउट व्हील्स आर मोबिलिटी, है ना, जो भी हम मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं दैट वुड हैव बीन कंप्लीटली नॉट पॉसिबल। So all such things are directly given in these NCRT very very clearly. I saw this, मैंने बैठ के रिसर्च किया कि यार किस NCRT से क्या क्या बोरो कर सकते हैं, तो what I realized कि अगर हम इसको बैठ के अच्छे से, that's why now we are planning the classes on ancient India with the on the basis of these NCRTs. Topic wise करेंगे, topics हम कैसे select करेंगे, because देखो NCRT में कभी कभी random facts भी आते हैं, सारी चीजें काम की नहीं है मैं जानता हूं, बट अगर इसको हम इस तरीके स्ट्रक्चर कर दें, विल इट हेल्प यू और नॉट,
इट विल हेल्प यू डायरेक्टली बिकॉज एवरी ईयर द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम द स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन की सोर्सेज से क्वेश्चन आता है राइट इफ यू सी कि नियोलिथिक वाला एरिया है उससे भी कभी कभार क्वेश्चन आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन एवरी ईयर यू विल गेट अ क्वेश्चन एवरी ईयर इट इज रफली 99% श्योरिटी के साथ है वैदिक आर्यंस एवरी ईयर यू विल फाइंड अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर ऑल्सो संगम लिटरेचर साउथ से एक थीमेटिक क्वेश्चन आना ही है इस बार तो दो आए हैं एक इसके ऊपर भी है और एक आर्किटेक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है देन द कंटूर्स ऑफ इंपीरियल आइडियोलॉजी तो कम से कम 3 से 4 साल से मैंने ये देखा है कि मौर्यास पे भी क्वेश्चन आ ही रहा है स्टेटस ऑफ वुमेन दीज आर थीमेटिक क्वेश्चन 3C को आप छोड़ दो 4C को छोड़ दो ये थोड़े से टेक्निकल लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं इनके लिए तो लिटरली बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी एंड यू कैन नॉट लीव द एरिया ऑफ उपेंद्र सिंह फॉर दैट बट भक्ति मूवमेंट एज वेल एज टेम्पल आर्किटेक्चर जितना एनसीआरटी में भी दिया उतना भी अगर आपको आता है ना देन यू आर बेटर देन मेजोरिटी बिकॉज 99% जो लोग हैं वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर ध्यान देते ही नहीं है पढ़ेंगे एक बार फिर भूल जाएंगे फिर से नाम याद रखेंगे नगारा द्रविडियन एंड वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर चार फर्जी चीजें याद कर लेते हैं उनके बारे में कि इसमें फ्लैट रूफ होती है इसमें ये होता है उसमें वो होता है उसके बाद कुछ याद ही नहीं है सो दैट्स वाई ऑल ऑफ अस नीड टू लर्न हाउ टू इवेंचुअली यूटिलाइज द डिटेल विच इज इन फ्रंट ऑफ अस और एक इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं अगर आप ये बॉक्सेस अच्छे से कर लोगे जैसे मैंने आपके सामने ये कट किया प्रीलिम्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी प्रीलिम्स में सबसे बड़ी दिक्कत आने का रीजन क्या होता है हम ये पढ़ते ही नहीं है चीजें हमें लगता है किसी और के लिए लिखा है ये सब है ना बॉक्सेस छोड़ दिया हम तो बस मेन अपना जो अपना आदत पड़ी हुई कि हमें बस ऐसी ही शीट चाहिए जिसमें बस लिखा हो है ना ये सब हमारे काम का नहीं है सी दीज आर गिवन वेरी वेल अगला चीज क्या है Port making solved one of the most important question of human history. One of the most important question of human history has been solved by port making. Storage system. Fridge सबको पता है. Fridge सबको पता है ना. पानी सबको पता है. घड़ा सबको पता है. सबसे बड़ा problem जो पूरे world का है किसने solve किया था? Port making, water storage, grain storage और जो लोग थोड़े और शौकीन हैं alcohol storage. हर चीज का जो स्टोरेज का सोल्यूशन है कहां से आया पोर्ट मेकिंग से आया दैट्स व्हाई इट इज समथिंग लाइक ऑफ अ रेवोल्यूशन आई एम नॉट सेइंग कि जिसकी सारी जो हिस्टोरियोग्राफी है वो एनसीआरटी से मिलेगी बिल्कुल नहीं मिलेगी बट 80% और बहुत ज्यादा बच्चों को अगर मैं आंसर देखता हूं यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जो टॉपर्स भी बनेंगे अभी 10 दिन के अंदर रिजल्ट आने वाला अभी आप देखेंगे बहुत लोग हिस्ट्री ऑप्शन से भी टॉप करेंगे व्हाट वी रियलाइज कि एनसीआरटी लेवल से भी कम होते हैं उनमें से बहुत लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं हिस्टोग्राफी तो छोड़ दो तो अगर आप इतना भी ढंग से करना सीख लेंगे ठीक है जिसका हमारा टारगेट है नेक्स्ट 1-1.5 मंथ तो आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे अब आगे डिटेल देखो नियोलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ मैप 2016 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था नियोलिथिक पीरियड पर 2016 द क्वेश्चन वॉज डिस्क्राइब द रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नियोलिथिक कल्चर सो डिस्क्राइब द रीजनल कैरेक्टरिस्टिक इट मीन्स यू हैव टू डिस्क्राइब द रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ पार्ट पुरजाहम गुफकरल देन द ईस्टर्न पार्ट कोल्डेहवा महागरा देन द ईस्टर्न पार्ट दाउजाली हार्डिंग एंड देन द पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया एज अ होल सो व्हेन यू गोइंग टू डू लाइक दिस इवेंचुअली आपके मार्क्स उस वाले क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और ये सब PYQs हैं बाबा आराम से देखिए यहाँ पे डिटेल देखिए कितना डिटेल में इन लोगों ने बात किया मेहरगढ़ टाइम पीरियड इज गिवन विच क्रॉप्स वर कल्टीवेटेड वीट बार्ली दैट इज आल्सो गिवन हियर एंड देयर स्पेसिफिक डिफरेंट कल्चरल फेजेस विद इन द नियोलिथिक कल्चर इन दिस एरिया देन दे आर गिविंग इवन विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल इंडिया देन ईस्टर्न इंडिया नियोलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया यहाँ की सारी साइट्स इन लोगों ने दिया हुआ है सो व्हाट आई हैव रियलाइज कि यार अगर आप अच्छे से अगर आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन बॉडी स्ट्रक्चर कंक्लूजन ये आप अच्छे से कर सकते अलॉन्ग विद इनोवेशन ओनली वन थिंग इज गोइंग टू लैक एंड दैट इज हिस्टोरियोग्राफी तो हम ये क्लासेस अब स्टार्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग बेसिक सीख लो आपको मौका मिले कि जब पूछना होगा सर व्हाट इज एन एडिक्ट हम सीधा शुरू करते हैं अशोकन एडिक्ट व्हाट इज एन एडिक्ट व्हाट इज एन इंस्क्रिप्शन व्हाट इज लिटरेरी सोर्स व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट ऑल सच बेसिक टॉपिक्स जो आते हैं इनको आपको अभी से समझना है व्हाट इज अ लैंग्वेज व्हाट इज अ स्क्रिप्ट बहुतों को तो ये भी नहीं पता है बहुतों क्या मैक्सिमम को नहीं पता व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन देम सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चीजों को कैसे ईजी करना है आप जितने भी लोग हो ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो एक बार इसको ढंग से कर लो 1.5 मंथ फिर देखना मार्क्स कैसे आते हैं
बिकॉज हम लोग देखो इन्फॉर्मेशन की जब तक वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक उसको सही तरीके से पढ़ेंगे नहीं, आउटकम नहीं आएगा। मैनी ऑफ अस व्हाट डू वी डू, एक एनसीईआरटी हमने ली, हमने सोचा कि इसके नोट्स बना लेते हैं, आफ्टर मेकिंग नोट वी फील लाइक अब तो ऑस्कर मिलेगा, अपना अगला नंबर अपना है, है ना। हमने अपना काम कर दिया, हमने नोट्स बना दिया, वी हैव कंप्लीटेड आवर ओवरऑल धर्मा ऑफ सिविल सर्विसेज एंड दैट इज नोट मेकिंग। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, इट डजंट वर्क लाइक दैट। बहुत एनसीईआरटीज में सेगमेंटेड कर करके इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है मैंने 6 NCERT से निकाली है, ये 6 NCERT से मिक्स करके निकली है इन्फॉर्मेशन। मैं नहीं कहता कि सारी इस क्वेश्चन में होंगी, अलग अलग जगह, तो वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एट योर लेवल कि मैं 6 को कैसे पढ़ूं। खुद से पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट। 6 इंटीग्रेटिंग ऑल ऑफ देम एंड देन वीविंग अ फाइनल फाइनाइट काइंड ऑफ गोल कि मुझे सिलेबस भी साथ में कवर करना है, दैट्स वेयर इट बिकम्स चैलेंजिंग। इसलिए आप लोगों को एनसीईआरटीज पढ़ना सीखना है साइड बाय साइड। व्हाट वी गोइंग टू डू, वी आर आल्सो गोइंग टू डू आंसर राइटिंग, बिकॉज व्हेनेवर आई स्टार्ट विद द मेन क्लासेस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां के रखता है, आंसर्स ना। हम हमेशा इसी में स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक कि इंट्रोडक्शन कैसे करना होता है, अभी इसमें कर रहे हैं, जब इंटरव्यू आएगा तो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। इंट्रोडक्शन में हमेशा दिक्कत रहती है, दिस इज हाउ इट इवेंचुअली गोज ऑन फॉर मेनी डेज। तो आप लोग शुरुआत में मेरे साथ क्या करेंगे, अच्छे से क्लासेस के साथ स्टार्ट करेंगे, नंबर वन। सेकंड, साइड बाय साइड हम किस चीज पे फोकस करेंगे, आंसर राइटिंग पे, उन थीम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जो यूपीएससी में आती है। या मुझे तो ये चीज बिल्कुल ऐसे पत्थर की लकीर की तरह याद है, कहां से कैसा क्वेश्चन कैसा आ सकता है या आया हुआ है। सो दैट्स व्हाई समबडी विल टीच यू विद दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड मार्क्स। तो आप लोगों को पता है, मुझे मार्क्स बताने की जरूरत नहीं है कि मार्क्स कितने आ सकते हैं इस एग्जाम में। देखो मार्क्स इजीली आते हैं, टॉपर्स बनना है 290-300 लेके आना, रास्ता एक ही है, एक्सीलेंस। दैट एक्सीलेंस रिक्वायर्स वेरी फ्यू थिंग फ्रॉम योर साइड, ये पेपर पे बता के नहीं कि आई एम द बेस्ट पर्सन, पेपर पे ये सब आना चाहिए, ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है। एंड साइड बाय साइड इफ यू कैन इंटरनलाइज दीज थिंग सो दैट यू कैन इवन टॉक अबाउट देम इन द इंटरव्यू, बेस्ट थिंग। अदरवाइज उसके लिए बाद में समझा देंगे कैसे बात करनी है, what is history, what is this, what is that, all those basic things are going to come, but your objective is to make sure jab hum basic NCERT classes karenge historiography ko chhod ke at least baki sari cheeze hum cover kar le, aur ye jitna acche se hum log cover karenge utna acha hamara outcome aayega. ab aap ye dekhiye, second question, Indus Saraswati cultural zone exhibited both homogeneity as well as diversity, discuss. okay, now when we see this, can you see this timeline? Can you see this timeline? It talks about Mesopotamia, Indus Valley, Egyptian, and then even Chinese. 4 civilization, contemporary civilization. The oldest one becomes Mesopotamia because its time period is 3500 BC. Indus Valley, our civilization, it is 3300. Then we have Egyptian around 3100, and finally we have Chinese around 1700. If you know how to make timeline, again you're going to get more marks directly from Tamil Nadu NCERTs. Tamil Nadu ki jitne bhi hai wahi se nikala. Ye isse acha aur creative ho tum magar. Then this. Iske liye to bahut himmat chahiye. Na ye exact exam mein relevant nahi hai, but at least if you know how to draw a map of ancient civilization. When it will become even more important, suppose if I ask a question on Harappan trade, all of us know they were having trade relationship with Mesopotamia. But if you do not know how to make a map, ये सब basic चीजें हैं जो NCERTs में बहुत अच्छे से depict की हैं लोगों ने, और ऐसी timeline तो मतलब दे ही नहीं रखी कहीं पे ना। देख के मुझे समझ में आया कि यार ये तो होना ही चाहिए। If you see this, don't you think this will bring all the clarity? Like suppose if a basic level question comes in the your prelims examination, which of the following civilization is the oldest? 4 option de diya aapko. Ab aap baithe wahan pe ek akkad bakkad bombe wo khelne ke liye, aur wahan pe clarity in dono mein to aapko pata hai, haan Mesopotamia, but baki do ka nahi pata hoga, wo Egyptian hai ya fir Chinese hai. aur agar second order problem aa gayi hai na, inko arrange karo chronological order mein, then it becomes even more difficult. So these NCERTs classes will cover all everything which is required for prelims, mains, optional ka ek part specific chutega.
एक तो है बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस जो हमें करना पड़ता है, लाइक टॉपिक्स लाइक फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म आप एनसीईआरटी से एक्सपेक्टेशन मत लगाइए, बिकॉज नेचुरली वो एरिया उसके लिए नहीं डिफाइन किया, उसके लिए तो लिटरली हायर स्टडीज में ही जाना पड़ेगा। बट दोज एरियाज टॉपिक्स लाइक दिस, हाउ दे एग्जिबिटेड बोथ होमोजेनिटी एंड डाइवर्सिटी सीरीज, दे आर टेलिंग अस व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज देयर, अपर टाउन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लोअर टाउन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वट आर द फीचर्स ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन। सो इफ वी सी, अगर हम बस एक सिंपल सा बात करें, अर्बनाइजेशन, देयर वर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच वर होमोजीनियस, बट वर देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ इवन डाइवर्सिटी विद इन दिस। होमोजीनियस में हमें पता है कि हाँ भाई ठीक है, दे आर गोइंग टू यूज द बर्नड ब्रिक्स, द रेशियो विल बी 1:2:4, मेजोरिटी ऑफ देम दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, है ना, वी हैव अ सिटाडेल और अ एक्रोपोलिस टुवर्ड्स द वेस्ट एंड देन टुवर्ड्स द राइट वी हैव द लोअर टाउन। वो सब बेसिक चीजें हैं कि रोड्स 90 डिग्री पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट डाइवर्सिटी कहाँ आती है? डाइवर्सिटी हमें समझ में आती है इफ वी गो टू धोलावीरा, द प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द majority of them. Here we have 3 division. We also have a middle town. There are certain areas where we have, rather than burnt bricks, we have seen only the basic bricks are being utilized, or the baked bricks, only those are utilized. In some cases, we also see use of stone. Stone are also being utilized. So this is how you create an answer for this. This is a very basic level question. It doesn't demand anything extra from your side. Bas aapko bas ye information nikalna hai. Streets and houses, they've given information about the roads were wide with rounded corners, houses were built on both sides of the street, the houses were either one or two story. Drainage system is something which is very very important. So ye kafi homogeneity ke andar tha, but drainage system ke sath mein agar reservoir ka baat kare to reservoir were they were at some limited areas, like Dholavira again becomes the most important. If we talk about Mohenjo-daro is famous for wells, there are more than 700 wells. हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मोदी जी के हर घर में पानी का कनेक्शन देंगे, मोहनजोदड़ो करने पानी नहीं कुआ ही देंगे, है ना, घर के सामने ही वेल बना देंगे, जितना पानी चाहिए पियो, राइट। सो दीज पीपल आर एबल टू क्रिएट सच थिंग्स इन दोस टाइम्स, दैट्स व्हाई वी टीच अबाउट देम, दैट्स व्हाई वी ट्राई टू लर्न अबाउट आवर ओन कल्चर, द सिविलाइजेशन लेवल दैट दे वर एबल टू एमुलेट एट दैट टाइम। देन इट इज अबाउट देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, एंड इट्स कंपैरिजन विद अदर सिविलाइजेशन लाइक मेसोपोटामिया के साथ में। सो these are some very important point. Technology, what kind of technology was there? Early and mature Harappan cultures, settlement pattern also has some homogeneity and some diversity. So aapko sirf points generate karna hai. Burial system, again abhi aapki jo ye wale specific part hai, this is from themes in Indian history, jo aapka class 12th ka NCERT hai, wahan pe pura chapter Harappa ke upar hai, and there they have talked about a lot of thing. Abhi ye dekho, ऐसा उपेंद्र सिंह में भी नहीं है। कितना टोटल नंबर ऑफ साइट्स आपका सिंध में है? 44 में। अगर आपको एक केस स्टडी बना के डालना पड़े, लुक एट दीज फिगर फॉर नंबर ऑफ सेटलमेंट, द डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान बॉर्डरिंग द थार डेजर्ट, अर्ली एंड मेच्योर सेटलमेंट पैटर्न की बात करते हैं कि कहां इंक्रीज हो रहा है और कहां पे डिक्रीज हो रहा है। नाउ दिस इज समथिंग विच वी सी इन द एनसीईआरटीज, एंड जो आपको पिकअप करना सीखना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा, एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू गेट मोर मार्क्स देन अदर्स। बिकॉज देखो एग्जाम ऐसा है ये कि अगर किसी ने 5 पॉइंट लिखे तो आपने 6 लिखे, एकदम से आप टॉपर बन जाओगे, 5 पॉइंट लगे मेरी क्या गलती थी, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, किसी को तो रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा, और एक को रिवॉर्ड देने के लिए बहुतों को बाहर करना पड़ता है। दिस इज हाउ इट इज, मेंस में अगर कोई भी एंटर करता है, 5 लोगों में से 4 तो पक्का फेल है, एक ही बचने वाला है, ओनली वन। एंड दोज ऑफ यू थिंक लाइक कि सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ लें तो उससे कहानी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला उससे, मेंस को पहले प्रायोरिटी बनानी पड़ती है। जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, पहले हमें ये एक्सपेंस देखना पड़ता है कितना हमें वाइडर जाना है, फिर उसको समेटना शुरू करना, फिर आपके फाइनलाइज नोट्स बनते हैं। देन स्क्रिप्ट, अगेन द स्क्रिप्ट इट्स अ पार्ट ऑफ देयर होमोजेनिटी, राइट, ओनली फ्यू साइट्स आर देयर लाइक हरप्पा मोहनजोदड़ो, इन दोनों को मर्ज कर दें, 85% जितनी भी स्क्रिप्ट है वो हरप्पा और सिर्फ मोहनजोदड़ो पे। अगर हम बात करें धोलावीरा में हैव साइन बोर्ड, द साइन बोर्ड इज मोर लाइक सिविक यूज ऑफ राइटिंग, लुकिंग फॉर लग्जरीज, क्या क्या लग्जरीज हमें मिल रही है, तो पॉटरीज, नीडल, फ्लैश रबर्स एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दिस वी फाइंड। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आराम से सारे फोर्डर पॉइंट यहां से मिलेंगे। अब मैंने आपको कहा था हिस्टोरियोग्राफी कम मिलती है,
बट कुछ कुछ टॉपिक्स पे तो हिस्टोरियोग्राफी भी एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है. यू टॉकिंग अबाउट आर ई एम व्हीलर, उनका क्या पर्सपेक्टिव था, जॉर्ज डेल का क्या पर्सपेक्टिव था विद रिस्पेक्ट टू दिस सिविलाइजेशन. सो दे हैव गिवन एवरीथिंग एवरीथिंग. एंड फाइनली अगर आपको इनोवेशन में टाइमलाइन बनाने का मन है, चार पेज मिल गए, तीन पेज के बाद समझ नहीं आ रहा अब करें क्या, पेपर भी तो भरना है, एग्जाम पेपर भरने का भी है एक पॉइंट पे, 5% तो मैं उसमें हमेशा मानता हूँ. तो कैसे इस तरीके से यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ, नी नी थिंग्स केम इन टू पिक्चर. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू एनसीईआरटीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ वी कवर दैम इन अ सिस्टमैटिक मैनर यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर ऑप्शनल पेपर एंड अलॉन्ग विद इट प्रीलिम्स वगैरह वाले में तो बहुत ज्यादा फायदा होने का. एंड इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा इंटरव्यू में. इंटरव्यू में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज हिस्ट्री, हु वाज मोर्टिमर व्हीलर, और ये सब एनसीईआरटी में है. ऐसा नहीं कि मोर्टिमर व्हीलर कहीं छुपा के रखा गया उनको, दे हैव गिवन इट हियर. व्हाट वाज हिज रोल विद रिस्पेक्ट टू हरप्पन सिविलाइजेशन पूछ रहे हैं, अभी ईएच केयर का स्टेटमेंट पूछ रहे हैं. तो ये सारी चीजें यहां पर दी हुई है. इफ समबडी आस्क यू बेसिक क्वेश्चन इन इंटरव्यू, व्हाट इज योर टेक ऑन महाभारत, व्हाट इज योर टेक ऑन महाभारत, नाउ दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, दिस इज अ हिस्ट्री क्वेश्चन, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी डीलिंग विद महाभारत, टॉक्स अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस, हिस्टोरिसिटी से लेके कैसा उनका कल्चर था, क्या इकोनॉमी था, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट वुड हैव बीन देयर, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन वन चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी. And that's why when you have such kind of command, so eventually marks to देखो हर level पे आएंगे, prelims में भी आएंगे, optional में भी आएंगे और interview में भी आएंगे. देखो अब ये चीज उपिंदर सिंह में भी नहीं. Suppose a question comes, critically analyze the indescript. Okay, which script is closest to this script? अगर बात करें उसके बारे में या इसके क्या interpretation हो सकते हैं indescript के, it is given in the NCERT. इतना तो हमारा मतलब कुछ कुछ चीज तो मेरे लिए भी नहीं थी इसमें से. लाइक रशियन स्कॉलर यूरी, उनके नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल हो गया, नोरोजोव, ही सजेस्टेड दैट इंडस इंस्क्रिप्शन हैव अ द्रविडियन लाइक वर्ड ऑर्डर. वन मोर रिसर्च, ओके, इट इज कमिंग फ्रॉम महादेवन, वन ऑफ रिसर्चर हु हैज डन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन दिस. वी मे होपफुली फाइंड दैट द प्रोटो द्रविडियन रूट्स ऑफ हरप्पन लैंग्वेज एंड साउथ इंडियन द्रविड लैंग्वेज आर सिमिलर. Now, if suppose a question comes on this next time around, इस बार तो उन्होंने आर्यन प्रॉब्लम पूछ ली, अगली बार वो इंडस वैली प्रॉब्लम पूछेंगे. What is this इंडस वैली प्रॉब्लम? What are the problems with respect to this or the problems of interpretation? Again, you have everything in front of you. Mahadevan again says, a stone cell discovered in Tamil Nadu has been seen as marking of the symbol of the same of indescript. अब ये बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन लोगों ने यहाँ पे एड कर दी है. सो इवन इफ यू वॉन्ट टू गेट अपडेटेड, बिकॉज हिस्ट्री इज नॉट अ डेड सब्जेक्ट, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, हिस्ट्री इज नॉट अ डेड सब्जेक्ट. सो इफ यू वॉन्ट टू स्टे अलाइव एंड कीप इट अलाइव, रीड एनसीईआरटी. अपने भी मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आने हैं. अब ये केस स्टडी अगर किसी भी टॉपर ने डाला होता लास्ट टाइम अराउंड कि भाई किसी ने होमोजेनिटी और डाइवर्सिटी उसमें एक पॉइंट बस रेफरेंस के लिए डाल दिया ऑन द रिसेंट रिसर्चेस, डोंट यू थिंक दैट पर्सन शुड गेट मोर मार्क्स देन यू? That's why we are again turning back to NCERTs, because बहुत सारी NCERTs हैं और तमिलनाडु की तो ज्यादा हमारी अपडेट रहती है with respect to our CBSE वाली जो है. ये वाला जो सिलेबस है ये बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं हुआ है. We have that old NCERT of आर एस शर्मा, हर कोई यही रिकमेंड करता कि आप ये पढ़ लीजिए, बट दैट हैज बिकम कम्प्लीटली आउटडेटेड, उसकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पुरानी हो गई. अब ये नए नए परस्पेक्टिव कहां से आएंगे? आर एस शर्मा अब नहीं रहे. At that point of time, he has written the most, one of the best NCERT at that point of time. But that is also written only from one perspective. There's only one perspective in R.S. Sharma, Marxist perspective. And everything is from that area. That's why reading just one NCERT can become very hampering with respect to your optional preparation. GS mein phir bhi kaam chal jata hai ek point tak. Optional mein toh bahut badi dikkat create kar dega. Theek hai? Samajh mein aaya? Sirf do question liye maine. Only two questions so far. See the level of information which is given in these NCERTs. See this next question. How do the comparative study of languages, archaeological sources and vast corpus of Vedic literature help to determine the Aryan problem in Indian history? So first it talks about comparative study of languages, archaeological sources and vast corpus of
वैदिक लिटरेचर, इट्स द थर्ड पार्ट एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन. एवरीबडी नोज अबाउट ऋग्वेद, साम, यजुर, अथर्व, इनके बेसिस पर पता है कि व्हाट वाज देयर पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजन. बट व्हाट अबाउट द फर्स्ट टू? सो वी स्टार्ट विद बेसिक लेवल मैप, व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ वैदिक कल्चर, अर्ली वैदिक पीरियड एंड देन द लेटर वैदिक पीरियड. सो यू कैन इजिली मेक मैप्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज एनसीईआरटीज. सेकेंड, यू सी सच वेरी गुड लेवल इंटरप्रिटेशन आर गिवन. वैदिक टेस्ट है ना, देवर पार्ट ऑफ श्रुति. Shruti itself has four Vedas and every Veda has Samhita, Aryanka, Brahmana as well as Upanishad. On the other hand, when you talk about Smriti, it talks about the other remaining part, Itihas, tradition which includes Ramayana, Mahabharata and the Puranas, which includes all the Puranas as well as some of the Dharma Shastras, and all that part is known as Smriti. Now, see here, okay, they have talked about two phases, easily aap yahan se cover kar sakte ho. This paragraph is very very important. This is what they're asking. The attempt to write a history of India began when the European colonized India. They compiled the archaeological and literary sources as well as oral tradition. Certain notion, for example, Aryan were developed and used in the colonial context. All of you know how Hitler used to say the German is a Aryan race. No, that specific logic, wohi unhone yahan samjhaya. The concept of race was widely prevalent at that time to classify and categorize people. Some of the views reflect the racist ideas of colonial times. The Aryan theory was linked to blue-eyed white race and its connection with European. Nazi used this as a propaganda during the Holocaust. The recent studies, now this is the analysis which UPSC is asking for. The first major, ki Aryan race hai ya fir ek koi ethnic group hai. वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द रीसेंट स्टडीज हैव एस्टैब्लिश्ड द वर्ड आर्यन डज नॉट डिनोटेट बट ओनली रेफर टू द ओरिजिनल स्पीकर्स ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस. देन दे इवन मेंशन, कैन यू से दिस वर्ड, फिलोलॉजिस्ट, दीज आर द पीपल हु गो फॉर द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस. अगर ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया और आप ये वर्ड यूज करते हो, एक वेट इंक्रीज होता है कि हाँ इनको तो पता है भाई, पर्सन नोस. Study language in oral and written form of language based on historical evidence. They use etymology, means unka naming system dekhte hain. Comparative linguistics, literary criticism, history and linguistic in their studies. So you can also utilize this, write a paragraph about it. Ki how the language, ki language system bhi check agar hum karte hain Aryans ka, to humein kya information milti hai uske basis pe. Okay, so see, agar unki language ke piche jaye. Though the Rig Veda is in Sanskrit, about how many words? 300 words of the Munda and Dravidian language has been identified in suggesting cultural mix with earlier inhabitant. All of us know about Dasharas and Dashyus, hai na, jis tarike se wo categorize karte the. So this is what you have to write in this answer, directly given in this NCRT. From the Vedas it is evident that Aryan used domesticated horses and chariot. Chaya has spoked wheels and they used bows and arrows, practiced agriculture, pastoralism. They buried and also cremated the dead. The cult of fire and the use of soma drink were prevalent among the speakers of Indo-Aryan languages. Now, one debate is with respect to their homeland. Kahan se aaye ye log? One is with respect to, is this a race or if they are just an ethnic group, a language group hai. So that is also written here. It is still a matter of debate. Many scholars, they say that they have come from Central Asia. It is also believed that several waves. Now, this is again very, very important. Because when we talk about Aryans, they did not come in one go. They have come in series of migrations. The series of migrations might have happened. There were several factors which support this hypothesis. The traits of the culture of Aryan cover Eastern Europe and Central Asia, which is geographically interlinked. Such easy language, direct answer. And this is the difficult part of this question. जितने भी लोग आंसर लिख रहे होंगे मेंस एग्जामिनेशन में, सोच रहे हैं यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें क्यों दे दिया है, ये बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड पे. अगेन मैं अगर मतलब आगे भी बात करूं तो सारा सब कुछ यहीं पे इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है. सेकंड पार्ट वाज इंस्क्रिप्शंस, कि इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे हमें क्या पता चलता है. सी, रेफरेंसेस टू द नेम ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस आर फाउंड इन एन इंस्क्रिप्शन डेटेड टू 2200 BC डिस्कवर्ड इन मॉडर्न इराक, एंटेलोनियन इंस्क्रिप्शन of 1900 to 1700 and Kassite inscription of specific time period, Mitanni inscription of 1400 BC, Syria and Bhogazgoi inscription refer to names similar to the Vedic gods, have the common features of Indo-European, but no such inscription are found in
इंडिया. नाउ दिस वाज एन एग्जैक्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि आपको इंस्क्रिप्शंस के बारे में लिखना था, बिकॉज दे हैव आस्क्ड कि व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस आर्यन प्रॉब्लम इन इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, सेकंड इंस्क्रिप्शन, थर्ड पार्ट इज बेसिक योर वेदास. वो तो कोई भी लिख देगा, थर्ड पार्ट सबको आता है, बट ये जो पहले दो पार्ट हैं डिफिकल्ट कौन से थे? यही डिफिकल्ट थे, एंड दे आर गिवन टॉप, बिल्कुल डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है. देखो हम लोग भी जब रिसर्च करते हैं, फॉरवर्ड रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या आएगा एग्जैक्टली, बट जो आ चुका है, जो स्ट्राइक कर रहा है बार बार, उसको समझना आसान है. दैट्स वाई आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन टू दिस, दैट द सीरीज दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर दिस, टाइम पास के लिए नहीं है वो, उसका एक बहुत स्पेसिफिक लॉजिक है. काफी बुक्स हमारी अपडेट नहीं हुई है बहुत टाइम से, और एनसीईआरटी उनसे आगे निकल गई है. अगर क्वेश्चन यहां से बनने लग गए हैं, इट मींस वी हैव टू पे अटेंशन, करना पड़ेगा ना. इनफैक्ट दैट्स व्हाई वी आर अपडेटिंग आवर हैंडआउट्स. जब अगले आगे आएंगे, अब हम बिल्कुल अपडेट कर रहे हैं अपने सारे हैंडआउट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू रिसर्चेस व्हिच हैव कम. बिकॉज अगर यूपीएससी इनको बेस बना रहा है, तो हमें भी तो यार, हमें तो पास करना, हमें यहाँ पे कोई ट्रॉफी थोड़ा ना मिलने वाली है कि इस बुक से कर लिया तो सबसे मैक्सिमम मार्क्स आएंगे. उपेंद्र सिंह, दिस बुक वॉज जेम ऑफ बुक. जब से यूपीएससी ने इसको देखा है, 2013 से बॉम्बार्डमेंट शुरू हुई थी, 10 साल हो गए उसको भी. अब क्या करे यूपीएससी, कहां से लाए क्वेश्चन नए जिसमें वो टेस्ट कर सके बच्चों का कॉम्पिटेंस. बिकॉज अब दिस इज अ कॉमन नॉलेज कि ये बुक पढ़ना है, बट उससे भी अगर बाहर क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी आर्यन प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, उसमें ढंग से डल नहीं कर रखा, इसमें एनसीईआरटी में अच्छे से कर रखा है. आई एम नॉट सेइंग द होल क्वेश्चन, बट अ पार्ट ऑफ इट, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट. इंस्क्रिप्शन वाला इतने अच्छे से इसमें उसमें है ही नहीं, जितना अच्छे से एनसीईआरटी ने कवर किया है. और जिसके पास ये इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक पैराग्राफ, दे आर बाउंड टू गेट हाई मार्क्स इन द ऑप्शनल. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट एवरीथिंग फॉर ऑल ऑफ यू. अगेन द वर्ड्स लाइक अश्व, कॉमन रूट्स जो मिलती है लैंग्वेजेस में, है ना, देयर ऑफ 215 टाइम्स. बुल भी मेंशन किया था अराउंड 170 टाइम्स, टाइगर, रिनोसेरस एक्सेट्रा. एंड इसमें एक बहुत अच्छा एक स्पेसिफिक स्टडी दिया. अब इसको देखिए, नाउअडेज डीएनए स्टडीज आर आल्सो यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट माइग्रेशंस. डीएनए स्टडीज, राइट, M17 अ जेनेटिक मार्कर इज सेड टू हैव बीन फाउंड अमंग द स्पीकर्स ऑफ इंडो यूरोपियंस. नाउ दिस इज एग्जैक्टली द न्यूएस्ट रिसर्चेस, और ये एनसीईआरटीज में मेंशनड है. अब ये नहीं है उपेंद्र सिंह में, क्या करें, नहीं है तो नहीं है. अब थोड़ा वो अपडेट होकर बुक आई है, विल सी कि क्या चीज उन्होंने चेंज करी, आई ऑल्सो हैव अ लुक एट इट. बट जो चीज हमारे सामने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिखी हुई है, उसको हम क्यों नहीं यूटिलाइज करें, उससे क्यों नहीं हम समझें. हमारा पूरा जो सिलेबस है उसको हमें इसी तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा. अब ये सब तो बेसिक मैप्स हैं, मिल जाएंगे आपको हर जगह, दशाश, दशयुज. वो फिर ब्लास्ट वाला पार्ट है, उसको फिर मैंने कवर नहीं किया, बिकॉज वो हम सबको पता है. बट वाज देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक, सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस चेंजेस, वो सब किसी को आता है. बट जो फर्स्ट टू पार्ट थे ऑफ दिस क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, हाउ डू कंपेयर टू स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दीज टू एंड वास्ट कॉर्पस हेल्प टू डिटरमाइन द आर्यन प्रॉब्लम इन इंडियन हिस्ट्री. तो हमें तो पहले दो के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करना है, बिकॉज दिस इज वेयर majority of the students will find it difficult to write even few words. What difficult hoga usko likhna, wo nuances nikal ke leke aana, because answer writing is never going to be complete unless you know how to form dimensions within a specific category of subheading, and that is the biggest challenge in this examination. Phir inhone baat kiya eastward expansion of Aryans, again ki expansion kab tak hota hai, kya uska outcome rehta hai, then their settlements as well as territories. So each and every dimension which is unique, a bit different from our other books, is given in these NCRTs. That's why they have become a gem of a source. ये बहुत अच्छा source बन गया है optional में अब lead लेने का. And whichever person is going to neglect them, अगले एक दो साल में आप लोग देखना, उनके marks reduce होने लग जाएंगे. Because देखो हर जगह जाके ना एक saturation point आता है. वो saturation point क्या होता है? अब world history है. World history में वही एक दो book है. अगर हम इसकी थीम देखें एनसीईआरटीज की, तो उनमें बहुत ज्यादा थीम्स हैं. तो हमें नेचुरली अगर किसी का टेस्ट चढ़ना होगा, तो मुझे पता है ना कि अब एक दो क्वेश्चन यहाँ से डाल दें, देखते हैं ना कितना पढ़ते हैं ये लोग. अभी आपको देखा होगा भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट के क्वेश्चन एनसीईआरटीज बेसिस पे होते हैं. भक्ति मूवमेंट इतने अच्छे से है ही नहीं किसी बुक में जितना एनसीईआरटीज में डेल्ट किया है. साउथ इंडिया नेचुरली भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, तो उनका तो दिल वहीं से, एक चैप्टर डेडिकेट कर दिया उसको.
थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री वॉल्यूम टू मिडिवल इंडिया, अगेन वन चैप्टर इज गिवन टू भक्ति मूवमेंट. अब उतना किसी स्टैंडर्ड बुक में लिखा ही नहीं है उसके बारे में, तो आप क्या करोगे. सी द नेक्स्ट टॉपिक, पोस्टर बॉय ऑफ साउथ इंडिया. हाउ फार द संगम लिटरेचर एक्ट एज अ विंडो इन टू सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ एंशियंट साउथ इंडिया. ठीक है, द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन दीज एनसीईआरटीज फ्रॉम तमिलनाडु इज वे 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 बेटर देन योर इवन उपिंदर सिंह. उससे भी बहुत बहुत ऊपर की इंफॉर्मेशन दी हुई है. अब बता दो कैसे. वेन वी टॉक अबाउट एनी टॉपिक, दो चीजें होती हैं. अब जैसे संगम है, इसके ऊपर रिसर्च किसने करी है, इसके ऊपर रिसर्च किसने करी है, हु आर द पर्सनैलिटीज दैट इज मेंशन इन द बुक. सी हियर, ओके, पर्सनैलिटी, थ्री स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, दामोदरम पिल्लई फ्रॉम जाफना, दे हैव स्ट्रोव हार्ड एंड स्पेंट मेनी इयर्स इन रिट्रीविंग एंड पब्लिशिंग द तमिल क्लासिक्स एंड द एंशियंट तमिल टेक्स्ट व्हिच वर ओरिजिनली एज पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट. सपोज यू आर राइटिंग योर इंट्रोडक्शन, everybody is just writing about the word sangam means association of poets flourished under royal patronage of the pandya king at madurai. Now this is a good introduction, very to the point, and collectively all these poems are known as sangam literature. Then you write the contribution of the personalities also, that who has made a specific contribution in highlighting the achievements of sangam age. Don't you think that improves our introduction? Yes or no? That directly improves our introduction. And this is happening. अब हम इन सब चीजों को और इनकॉर्पोरेट करेंगे, अपने नोट्स के अंदर भी करेंगे, आप सब लोगों को पढ़ाएंगे कि भाई जब लिख रहे हो तो टू द पॉइंट लिखो. और ये सिक्स क्लास की एनसीईआरटी में है, छठी तो सबने पास की है. दिस इज फ्रॉम सिक्स क्लास, राइट. देखो अपना जो एग्जाम्स है ना सीबीएसई वगैरह वाले, अब तो क्रेडिट सिस्टम तक चला गया, आई थिंक टेंथ तक है ना क्रेडिट सिस्टम चला गया, उसमें पता नहीं चलता कोई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है. पढ़ने वाला ना पढ़ने वाला 2-4% के मार्क्स का डिफरेंस होता है. बट यूपीएससी यूजिंग अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द आंसर राइटिंग सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स, कंप्लीटली अपार्ट. दैट्स व्हाई आई वांट कि भाई आंसर राइटिंग के हिसाब से आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा. संगम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सी, मैप आ गया, डेफिनेशन आ गई, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, एक ही बारी में खत्म. बेस्ट इंट्रोडक्शन दैट यू कैन गिव फॉर दिस टॉपिक. और क्या चाहिए आपको? और ये नहीं है, दीज आर नॉट गिवन इन उपिंदर सिंह, ये सिक्स क्लास के एनसीईआरटी से आ रहे हैं सब. नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द सोसाइटी, दीज आर द वेरियस लैंडस्केप, कुरिंजी, मुलई, मरुथम, नेथल, पलई, है ना. स्पेसिफिक याद नहीं रहे तो हिली रीजन, फॉरेस्ट, रिवर इन, कोस्टल, पार्श लैंड, ऑक्यूपेशन, हंटिंग, हर्डिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, हीरोइक डीड्स, देन द कम्युनिटी ऑफ द पीपल, कुरावार, आयार, देन उजवन, नलथियार, एंड फाइनली मरावार्स एंड देयर डेटीज, मुरुगन, मायोन, इंद्रन, वरुणन, एंड कोत्रावई. नाउ दिस इज अ स्पेसिफिक पार्ट विच ऑल ऑफ अस नीड टू रिमेंबर. अगर हमें कभी भी संगम के कल्चर के बारे में बात करना तो ये टेबल तो याद रखना ही पड़ेगा. आई टोल्ड यू इन इनोवेशन यू रिक्वायर टू हैव मैप्स. सेकेंड, इट्स अबाउट चार्ट्स. ये चार्ट है, इसका रट्टा मारना पड़ेगा. अब तमिल आती हो या ना आती हो, आती हो या ना आती हो, एग्जाम में टॉपर बनना है तो सीखनी पड़ेगी. 2-4 वर्ड तो याद रखने पड़ेंगे. गाने की तरह सीख लो, कोलावरी कोलावरी, सीखना तो पड़ेगा. यू हैव टू डू इट, यू कांट जस्ट लीव इट. एंड दिस इज एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. इट्स नॉट दैट इट इज हिडन अवे, एनसीईआरटीज में डायरेक्टली सामने दिया हुआ है. देन दे आस्क्ड अबाउट देयर कल्चर, रिलीजियस बिलीफ, ड्रेस, आर्ट्स, ऑक्यूपेशन, स्टेटस ऑफ वुमेन. They also mentioned which specific women were important with respect to composition of these poems, categories of poems, love poems, war poems, trade, specific musaris, what was the important poets in these times. Then even Tolkapiyam, they have given a full listing. Agar himmat hai to yaad kar lo. At least you should know overall, right? What is the most important part of Sangam literature? Attu Tokai, Pattu Pattu, Tolkapiyam, ye to pata hi hona chahiye, right? कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी, तो बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन. इनफैक्ट सी दिस रीसेंट रिसर्चेस, दे हैव डन रीसेंट रिसर्चेस इन दिस प्लेस नोन एट किजादी नियर मदुराई, एंड दे हैव गिवन फुल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. सपोज दोज पीपल हु आर राइटिंग आंसर्स ऑफ संगम एज एंड अलोंग साइड ऑल्सो राइटिंग लेटेस्ट रिसर्चेस, दे आर बाउंड टू गेट मोर मार्क्स और लेस मार्क्स. बहुत बहुत सिंपल है यार, येस और नो वाली सिचुएशन आ जाती है यहाँ पे. तो हम लोगों को इसी तरीके से ही काम करना है. आप We have to win in this examination, and the winning is going to depend upon our strategy. The strategy starts from these NCRTs.
बट वी हैव टू कोलेट एनसीईआरटीज, अलग अलग करके पढ़ोगे एनसीईआरटीज की वैल्यू डिग्रेड हो जाती है, बिकॉज फिर आपको कॉन्फिडेंस चला जाता है कि यार इसमें तो कवर्ड ही नहीं है, ये टॉपिक इसमें है ही नहीं। दैट्स वाई लीव इट टू अस, अननेसेसरी मेहनत नहीं करनी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट पीपीटीज लाइक दिस, बन चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है, पीपीटीज हम लोगों ने बना ली है सारी एनसीईआरटी में, जिसमें जो चीज हमें काम की मिली टॉपिक वाइज, वी हैव जस्ट मेड अ नोट ऑफ दैट, एंड दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू बी गिवन टू यू, ऑल दोज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी विद अस, उनको सबको दिया जाएगा ये चीज, ताकि आप लोगों को एनसीईआरटीज के ऊपर अननेसेसरी नोट मेकिंग ऑप्शनल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा लास्ट में, बिकॉज इतनी सारी एनसीईआरटी बैठ के नोट बनाना अपने आप में इट्स अ टीडियस टास्क, एंड विद द बिगिनर्स नॉलेज कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, अगेन इट्स डिफिकल्ट कि क्या एक्सट्रैक्ट करना आपने एनसीईआरटी से। दैट्स वाई क्लासेस करो, शांति से मार्क्स आएंगे। एनालाइज द कॉन्टोर्स ऑफ इंपीरियल आइडियोलॉजी एज एग्जिबिटेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। नाउ मौर्या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आर एग्जाम, बेसिक थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, सोर्सेज, व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, राइट, बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट इंपीरियल आइडियोलॉजी, टू सोर्सेज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज अर्थशास्त्र, बिकॉज अर्थशास्त्र गिव्स अ फैसिनेटिंग काइंड ऑफ एस्पेक्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, दैट एवरीथिंग शुड बी सेंट्रलाइज, एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल्ड, इट गिव्स अ वेरी बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ सप्तंग राज्य थियरी, सेवन एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के, हाउ स्टेट शुड बी कंपोज, व्हाट इज गोइंग टू बी द रोल ऑफ किंग, व्हाट इज गोइंग टू बी रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पाइस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल, एवरीथिंग इज गिवन इन अर्थशास्त्र। द सेकेंड पिक्चर ऑफ दर इंपीरियल आइडियोलॉजी, इट कम्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस, बिकॉज इंस्क्रिप्शंस आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग एल्स, दे टॉकिंग अबाउट द मोरल वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, दे टॉकिंग अबाउट द धम्मा विच शुड बी फॉलोड बाई पीपल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एज वेल एज द आउटकम ऑफ विच इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम इवन इन द नेक्स्ट लाइफ एम्पायर। अगर इसका आपको मैप बनाना है इजिली यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर। सो इवन विद रिस्पेक्ट टू मौर्यास, व्हेन यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर इंपीरियल आइडियोलॉजी, यू हैव एवरीथिंग, दे गिवन व्हाट इज मौर्यन स्टेट पॉलिटी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, है ना, सेकंड एआरसी में सबसे पहली लाइन अर्थशास्त्र से लिखी गई थी, रेवेन्यू इज द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, इसलिए आप लोग फिजिकल डेफिसिट पढ़ते हो, इसलिए हम फिजिकल डेफिसिट पढ़ते हैं, अगर हमारे पास पैसा अनलिमिटेड हो तो दुनिया चलती नहीं जाएगी, रेवेन्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज समथिंग विच वॉज मेंशन अर्थशास्त्र, कोश वर्ड यूज करते थे, देन अशोकास धम्मा और हिज धार्मिक स्टेट, दैट इज ऑल्सो मेंशन हियर, व्हाट काइंड ऑफ ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड बाय हिम, है ना, तो वो सारी चीजें उन्होंने यहां मेंशन भी कर रखी है, इनफैक्ट टोटल नंबर ऑफ एडिक्ट्स कितने हैं मेंशन भी किया हुआ है, व्हाट इज एन एडिक्ट अगर समझ नहीं आता हो, ठीक है, सो दे मेंशन एडिक्ट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन इशूड बाय पर्सन इन द अथॉरिटी और अ किंग, That is what is an edict, right? And within edict, then they have mentioned कि centralized administration किस तरीके से बनाया जाता था इनका, ना तो सब कुछ इन्होंने अच्छे से NCERT level पे कर रखा है, revenue system, judicial system, military system, then the art and architecture. Within that we have two types of art, indigenous art as well as the royal art. कि भाई जो imperial ideology थी, it was not like that. Art will be only be given a little bit of help by the state. Even people can take their own initiatives. So that is also a part of imperial ideology. To what extent the state is controlling people? That is important. Like if you see the word totalitarian state, हर कोई स्टालिन की बात करता है. Because they were controlling कि आप religion follow करेंगे भी कि नहीं करेंगे. They were controlling everything. Right? The emperor and the city schedule का था. Megasthenes बताए गए. What was the schedule of Chandragupta? Right? That is also a part of imperial ideology. Right? If you see Prime Ministers of India, हमारे किसी को compare करते हैं, that is a kind of imperial ideology. इनका ideology क्या है? किस तरीके से वो रहते हैं? The manner in which they handle their day-to-day task. Ashoka inscription, what was his remorse after the Kalinga war? What is the exact message to his subjects? Now see this statement. ठीक है? See this statement. This was directly asked in the prelims. Each one should respect the other's religion. If one praises one's own religion while criticizing other, one is actually doing greater harm to their own religion. Now, these are the exact words of Ashoka. These are the exact words which are not reflected in some of the higher level books like Upendra Singh, Ranveer Chakrabarty. उन सब में नहीं कवर होती ऐसे ऐसे चीजें. कई बार नहीं कवर होती. और ये directly हम NCERT से extract कर सकते हैं. See what was his message. Being gentle with slave, servant, respecting one's elders, treating all creature with compassion,
giving gifts to Brahman as well as monks. It is both wrong to praise one's own religion or to criticize another's. So secularism का message बहुत clear देके चले गए, ठीक है? That is how we get these ideas. जितना भी आपको ये questions में fodder points चाहिए होते हैं, आसानी से यहाँ मिल जाते हैं. What is missing is historian perspective. उसके लिए हमें थोड़ा सा क्लासेस में और एनालिसिस पे ध्यान देना पड़ता है कि हाँ भाई, अगर हम इंपीरियल की बात करें तो व्हाट वाज द पर्सपेक्टिव ऑफ रोमिला थापड़, व्हाट वाज द पर्सपेक्टिव ऑफ एचसी रे चौधरी, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है. बट बेसिक लेवल पॉइंट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स कैन बी डन ऑन द बेस बाय जस्ट कोलेटिंग दीज वेरियस लेवल्स ऑफ एनसीआरटीज. कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आएगी सिर्फ एनसीआरटी के ऊपर जाओगे. दैट इज लाइक दिस, इवेलुएट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द गुप्ता पीरियड एज कंपेयर टू द प्री गुप्ता पीरियड, बिकॉज एनसीआरटीज में अब हर चीज के ऊपर रिसर्च पॉसिबल नहीं है कि कितना उस लेवल पर रिसर्च करेंगे. देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन. इफ यू सी स्टेटस ऑफ वुमेन, टू व्हाट एक्सटेंट दे यूज टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स विद इन सोसाइटी, वी हैव टू सी द स्टेटस विच इज मार्क्ड एक्सेस टू एजुकेशन, freedom with respect to marriage, property rights, economic, with respect to freedom of profession, religion, with respect to easy access to Vedas, the principal text, access to temple or the institutions of worship. So this is how, अब ये चीजें थोड़ी सी advanced level हो जाती हैं, जो directly NCERT से catch करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो ये हम analysis अपनी आगे की classes में करेंगे. But ऐसे questions है ना, ऐसे questions बहुत कम आते हैं. जैसे हम 3C तक आ चुके हैं, हम 6 question discuss कर चुके हैं. कितना question आया जो NCERT से बिल्कुल भनक भी नहीं लगी? सिर्फ एक question. अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें तो इतना कंटेंट है, मतलब जो मन में चाहे लिख लो. दिस एनालाइज द टेनेट्स स्प्रेड एंड द इंपैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट. भक्ति मूवमेंट वेरी बेसिक टॉपिक. सी, दे टॉकिंग अबाउट भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, व्हाट वाज द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट टू नॉर्थ इंडिया. तो एग्जैक्टली डायरेक्ट दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है. सेलियंट फीचर्स क्या क्या है भक्ति मूवमेंट के? भक्ति मूवमेंट प्रीच द प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म, बिलीव्ड इन फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, सेल्फ सरेंडर इज व्हाट दे बिलीव्ड इन, गुरुज कुड एक्ट एज गाइड्स एंड प्रिसेप्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ब्रदर, क्रिटिसाइज आइडल वर्शिप. ऑल दीज सेलियंट फीचर्स आर डायरेक्टली गिवन विद रिस्पेक्ट टू भक्ति मूवमेंट. देन व्हाट वाज द इंपैक्ट, बिकॉज दे आल्सो आस्क्ड इंपैक्ट. देन व्हाट वाज द रीजनल इंपैक्ट, उसको भी डिवाइड कर सकते हो. कर्नाटका में क्या इंपैक्ट था, तमिलनाडु में क्या था, महाराष्ट्र में क्या था, नॉर्थ इंडिया में क्या था इंपैक्ट, वो आप डिवाइड कर सकते हो. एटीट्यूड क्या था इनका स्पेसिफिक टुवर्ड्स कास्ट, women devotees within the bhakti movement. So everything is very clearly given, very clearly. So it means jab UPSC question formulate kar raha hai, kahin na kahin they are looking towards NCERTs. Otherwise pehle jo kuch question aate the wo bilkul NCERT se upar aate the, but ab main dekh raha hu ki bhai bahut zyada question isse directly linked hoke aa rahe hain. To aap logo ko ye cheez ka dhyan rakhna padega that NCERTs ko aap bilkul chhod mat dijiye, but at the same time उनको तरीके से करना है. दैट्स वाई प्लीज क्लासेस में भी अटेंटिव रहोगे, आपका जितना भी एनसीईआरटी का लॉजिक है वो निकल जाएगा, सारा काम हो जाएगा. बस अटेंटिव रहना सीखना पड़ेगा, अटेंटिव नहीं रहोगे तो दिक्कत आएगी. सी दिस क्वेश्चन नाउ, वेरी इजी. हाफ आर टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द चोलास बिकेम मोर रिफाइंड एंड ग्रैंडियोस एज कंपेयर टू अर्ली साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल. बहुत बेसिक, इजिएस्ट लेवल का क्वेश्चन है. अब इनसे पहले कौन कौन से स्पेसिफिक हमारे पास डायनेस्टीज है? वी हैव पल्लवास इन इमीडिएट साउथ, और थोड़ा सा अगर डेकन की तरफ आ जाए तो वी हैव द चालुक्यास, वही हमारे पास में डायरेक्टली हमें पता चल जाता है. रॉक कट टेम्पल्स स्टार्ट हुए थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, पंच पांडव था. देन द सेकंड स्टेज कम्स व्हेन वी सी द बिगिनिंग ऑफ शो टेम्पल, राइट, वी सी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वैकुंठ पेरुमु टेम्पल ऑफ कांचीपुरम. वी गो टूवर्ड्स आर डेकन, हियर वी हैव पड्डाकल, विरूपाक्ष टेम्पल, वतापी, एहोल, जो बहुत फेमस प्लेसेस है. देन कम्स द ग्रैंडियोस ऑफ चोला आर्किटेक्चर विच वी सी फ्रॉम बृदेश्वरा, द मोस्ट फेमस टेम्पल लिंक टू राजा राजा चोला. देन बिल्डर्स ऑफ टेम्पल, क्या स्पेसिफिक इन्होंने ध्यान रखा इसके बेसिस पे? गंगाईकोंडा चोलापुरम, द होल कैपिटल सिटी
इट वॉज बेस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजेंद्र चोला एंड ड्यूरिंग द लेटर टाइम वी ऑल्सो हैव अ फेमस टेम्पल नोन एज धरासुरम टेम्पल. सो यू आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए तो मैं आपको बताता हूँ, आपको रेफरेंस बुक भी नहीं पढ़नी चाहिए. देर इज नो यूज ऑप्शन में तो बिल्कुल यूज नहीं है. सम ऑफ यूज है कि नहीं वो नितिन सिंघानिया वाली बुक पकड़ लेते, इतनी बड़ी बुक पढ़ोगे, एक क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में ऑलरेडी था. आपको पास होना है यहाँ पे, यहाँ पे टाइम पास चल रहा है ना. स्ट्रेटजीज की भी एक नहीं वो चलने लग गई कि यूट्यूब पे 50 स्ट्रेटजी निकाल दो. कॉम्पिटिशन चल रहा है, कॉम्पिटिशन चल रहा है यूट्यूब पे, ये चल रही, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. अरे भाई पास होना है हमें, कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है क्या सीधा? वट इज इंपॉर्टेंट, फाइंड दैट एरिया विच इज गोइंग टू वर्क लिमिटेड लेवल पे. अनलिमिटेड को स्ट्रेटजी नहीं बोलते. जब अनलिमिटेड सिलेबस आप कर देते दैट इज नॉट अ स्ट्रेटजी, दैट इज पागलपन. उसको रिड्यूस करके एक इमीडिएट लेवल पे हमें लेके आना पड़ेगा. एंड दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ये पूरी जो क्लासेस अब करेंगे जिसका शेड्यूल आपको हम कल तक प्रोवाइड करेंगे कि एग्जैक्टली किस वीक में कितनी कितनी क्लासेस है, साइड बाय साइड आप भी थोड़ा सा एनसीईआरटी के ऊपर रीड करोगे. ये नहीं कि मैं तो सिर्फ देखूंगा, है ना, मेरा तो यही काम है, मैं तो पेन भी आपको ही बोल दूंगा बीच में सर नोट्स बना देना, है ना, ऐसे नहीं, थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा मेरे साथ में. विल टेल यू एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट पेजेस होंगे उनके हम पीडीएफ बना के आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे कि भाई जब बाद में रिविजन करोगे सिर्फ इतना पढ़ लेना, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओनली दैट कंटेंट विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर ऑप्शनल दैट इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 4C अगेन एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसपे एनसीईआरटीज में उतना अच्छा कंटेंट नहीं है, बिकॉज इसमें थोड़ी डिबेट भी आती है. इज इट करेक्ट टू से दैट पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज रिमार्केबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रिलीजियस कल्ट्स इन इंडिया. टू सम एक्सटेंट दे हैव मेंशनड इट कि भाई व्हाट वर द चेंजेस इन विद इन द पॉपुलर हिंदुइज्म, व्हाट वर द चेंजेस इन बुद्धिज्म, व्हाट वर द चेंजेस इन जैनिज्म, एंड सी लाइक वी सी द राइज ऑफ तांत्रिज्म. तो वो थोड़ा पॉइंट इसमें दिया हुआ, बट बहुत सटीक नहीं है कि आप डायरेक्टली अच्छा आंसर उसके बेसिस पे बना पाओ. तो कुछ चीजें तो देखो क्लासेस के ऊपर ही रहेंगी जो हम बाद में करेंगे, बट अगर हम देखें ऑप्शनल में चॉइसेस आती हैं. ऑप्शनल इज नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग ऑल दीज 9 पार्ट्स. मैप तो आपका अलग ही है, मैप तो एनसीईआरटी बेसिस पे हैंडल होना मुश्किल है, उसमें सारी लोकेशंस ऊपर नीचे कर देते हैं, वो तो नहीं हैंडल होगा, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट एनिमल. वो तो हमें खुद ही टेम करना पड़ेगा 50 मार्क्स के लिए. बट व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग फॉर एंशिएंट इंडिया 50-60%, ठीक है, इजिली हम इस चीज से करेक्ट कर सकते हैं. एंड दैट इज वेरी इजी, व्हाई, बिकॉज इसकी लैंग्वेज सबसे लूसिड है. यू कंपेयर उपेंद्र सिंह विद एनसीईआरटी, विच वन इज इजियर टू अंडरस्टैंड? एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ओके, कौन कौन सी एनसीईआरटी, हम लास्ट में देख लो कहां कहां से ये स्निफर्स लगाए हमने. 6 क्लास से है, आर पास्ट 1. ओके, इसके हमने सबसे कम स्निफर्स यूज किए बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज अ बिट आउटडेटेड नाउ ऑन मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स एंड द बट अगेन इट रिमेन्स रेलिवेंट फॉर फ्यू टॉपिक्स. जैसे कि अगर हम बात करेंगे इन्वेजन की, तो इन्वेजन पे आर एस शर्मा पे अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, लाइक विद रिस्पेक्ट टू अलेक्जेंडर इन्वेजन और द ईरानियन इन्वेजन, वहां पे अच्छा इंपैक्ट है. सतवाना के लिए अच्छा कंटेंट है यहाँ पे, तो वो तो हम आपको बता ही देंगे एग्जैक्टली. 3rd, दिस इज द मोस्ट रिसेंट बुक, ठीक है, जो हमारी है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1. अब इससे हमने जितना भी आपका हरप्पन सिविलाइजेशन वाला है टॉपिक हो गया वो हमने यहाँ से निकाला है, अशोका का मौर्य वाला जो टॉपिक है उसके कुछ पार्ट हमने यहाँ से निकाले हैं. तो ये तो आपकी बेसिक वाली होगी, बट आई वुड से जो विनर्स हैं दे आर फ्रॉम तमिलनाडु. अगेन वी गो अप टू क्लास 6, देन क्लास 9 से हमने कुछ चीजें निकाली हैं एंड क्लास 11. क्लास 11th इज द मोस्ट होलिस्टिक वन, सबसे होलिस्टिक क्लास 11th की है. तो मैंने आपको कहा था 6 एनसीईआरटी, लाइक दिस वी हैव सीन अराउंड 25 एनसीईआरटी ओवरऑल, जो आपका एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न और पूरा वर्ल्ड तक जाएंगे. बट इट विल टेक सम टाइम, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है. आप सब लोग वैसे भी मैक्सिमम टारगेट 25 वाले हो, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू. इज दैट ऑल राइट? तरीके से अगर फाउंडेशन कर लोगे, ऑनलाइन स्टूडेंट मैनी ऑफ यू वुड बी लाइक कॉलेजेस खत्म हो रहे हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आप ये कर लीजिए अच्छे से. इसके बाद कभी आपको ये नहीं बोलेगा एनसीईआरटी पढ़ी है क्या, बिकॉज जितना भी एग्जाम सेंट्रिक रिक्वायरमेंट है ऑफ रीडिंग 6 एनसीईआरटीज एट द सेम टाइम टॉपिक वाइज एज पर आवर सिलेबस, दिस इज व्हाट दीज क्लासेस आर गोइंग टू बी अबाउट. बस शांति सर, ये उसके लिए नहीं कि मैं 25 क्लास लेनी है एंशिएंट इंडिया के लिए, नहीं, सिर्फ 5 क्लास में करेगी खत्म, सिर्फ 5 क्लास में. एंड हाउ? बिकॉज सारे इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज करेंगे जो जो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी. अगर उसमें बीच में
है ना, इजिप्ट की सिविलाइजेशन के ऊपर 25 पेज डाल दे भाई, वो नहीं पढ़ेंगे, उस उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, उतना यूटिलाइजेशन है ही नहीं। तो हम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आर एग्जाम उसको चेंज करेंगे। आई विल टेल यू साइमल्टेनियसली कहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से आपके ऑप्शनल के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टॉपिक से, आप उसको क्लासेस में नोट डाउन करेंगे, एंड जो आपको बाद में पीपीटी है वो आपको एज इट इज हम दे देंगे, सो दैट यू डू नॉट हैव टू मेक एनी स्पेसिफिक नोट्स, कोई बनाने की जरूरत नहीं है, शांति से उसको पढ़ो, बस ये जान लो कौन कौन से थीम्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज हाउ द क्लासेस आर गोइंग टू बी, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही फोकस था कि एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है। आई गिवन यू द रेलिवेंस, द रेलिवेंस इज वेरी क्लियर, इट मीन्स अगर हम पेपर को देखें, ठीक है, तो इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ लास्ट ईयर, हियर ऑल 3 वुड बी इजिली रिटन डाउन ऑन द बेसिस, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन में तो अपनी स्टैंडर्ड बुक से भी अच्छा कंटेंट यहाँ पे है। क्वेश्चन 3 में हम देखें तो वी कुड रीच अप टू 2 एंड 4 ऑल्सो वी कुड रीच अप टू 2, सो आप स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है, ऑल द कंटेंट इज वॉज फ्रॉम हेयर इट सेल्फ, ऐसा नहीं था हमने कहीं से भी कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा लिया, नहीं, बिल्कुल सेम एनसीईआरटी लेवल पे। दैट्स वाई फ्रॉम टूडे इज्जत करेंगे हम, चाहे वो क्लास 5th की हो चाहे क्लास 1st की हो, ना फर्स्ट तक तो नहीं जाता हिस्ट्री, बट 6th ऑनवर्ड जो स्टार्ट होते हैं हमारी सोशल स्टडीज, दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट येस एट द सेम टाइम यू नीड गाइडेंस टू रीड द राइट कंटेंट, और वो भी थीमेटिक वे में, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत स्प्रेड आउट है, से ये होता ही है एक्चुअली, 6th क्लास में जो ज्यादा अच्छे से कवर्ड है वो 9th में नहीं है, 9th में जो अच्छे से कवर्ड है वो 11th में नहीं है, बिकॉज अगर वो सेम चीज रिपीट करते रहेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो फिर बनाएंगे क्यों अलग अलग बुक्स, लॉजिक ही क्या है उस चीज का। दैट्स वाई द होल इक्वेशन इज लाइक दिस, दैट वी आर गोइंग टू कवर दीज 6 एनसीईआरटी एंड दैट टू वेरी कैटेगोरिकली और एग्जाम स्पेसिफिक, एग्जाम ओरिएंटेड, पीपीटीज इनकी बन जाएंगी विच विल बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ आर एनरोल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप ये चीज समझ गए क्यों हम ये कर रहे हैं, लॉजिक क्लियर हुआ, द लॉजिक इज वेरी क्लियर, जितनी भी नई नई रिसर्चेस हैं काफी तमिलनाडु के एनसीईआरटीज में हैं विच आर नॉट देयर इवन इन आर स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक देखो एक बार लिखी जाती है फिर वो बहुत टाइम के लिए फ्रोजन हो जाती है, उसमें कुछ नया नहीं आ रहा है, और ये बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ मिल रही हैं। दैट्स वाई एज अ फैकल्टी आई एम ऑल्सो लर्निंग, हाँ अच्छा ये नई नई चीजें हैं, दे शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन टू द टीचिंग, और एनसीईआरटी से अच्छा तो क्या होगा, बिकॉज नेचुरली वेन द एग्जामिनर दे प्रिपेयर देयर क्वेश्चंस ऑल्सो, तो वो सीधा यहीं से उठाता है क्वेश्चंस, तो हम लोगों के लिए 2 चीज का फायदा होगा, नंबर 1 ऑल ऑफ आर फाउंडेशनल डाउट्स, बेसिक लेवल की जो डाउट्स होती हैं वो सारी कवर होने लग जाएंगी, कि व्हाट आर सोर्सेज, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, वो सब बेसिक लेवल चीजें कवर होंगी। सेकंड, सम ऑफ द न्यू लेवल कंटेंट विच इज नॉट देयर इन आर स्टैंडर्ड बुक्स विल ऑल्सो गेट कवर्ड, एंड थर्ड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट आंसर्स, बिकॉज जब भी हम क्लास फिनिश करेंगे 4 से 5 क्लास, उसके बाद एक पूरा आंसर राइटिंग सेशन रखा करेंगे, वो भी देखूंगा कि मैं आप बोर्ड पे आप लोगों से आंसर देख के यहीं पे इवेल्युएट भी करेंगे कितना आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बिकॉज बहुत लोग कहते हैं सर मेंटरशिप चाहिए, देते हैं मेंटरशिप ना, मेंटरशिप देते हैं तुम लोगों को अच्छे से, कैसी चाहिए आप लोगों को मेंटरशिप, बिकॉज इफ यू विश टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, यू कैन नॉट एस्केप द प्रोसेस एट द सेम टाइम एक्सपेक्ट कि मुझे यार पास करा दो, वैसा तो नहीं होगा, you have to give your everything, but that is very clear, if you give your everything in the right manner, achha result aayega, that's all we can hope for, this is a competitive exam, this is not something which everybody is going to clear, the odds are always against us, achha kaam karke hum apne favor mein leke aana padta hai, aur ye achha kaam hai, ye ek achhe kaam, sabse achhe kaam mein se ek hai, ki jitne bhi NCERTs hai, agar hum dhang se sari systematic information pehle hi karke rakh le, kabhi prelims mein problem nahi aayegi, kabhi nahi aayegi, literally kabhi problem nahi aayegi, एंड सेकेंड जितना भी नया कंटेंट इसमें ये रिसर्च ऐड कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, फाउंडेशनल सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी, ताकि जब आगे क्लासेस करेंगे ना एंशियंट मिडिवल मॉडर्न वर्ल्ड, ऑल ऑफ यू विल बी वॉर रेडी कि हाँ नहीं ठीक है, तब ये नहीं लगना चाहिए क्लासेस तेज हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बिकॉज देन विल फोकस ऑन PYQs, बिकॉज PYQs भी बहुत सारे हैं, 40-40 साल के PYQ करने में टाइम लगता है, कंटेंट में और एक्स्ट्रा भी हमें पर्सपेक्टिव लेके आने पड़ते हैं आपके लिए, बिकॉज फ्यूचर में व्हाट काइंड ऑफ मोर क्वेश्चंस कैन कम वो हमें देखना पड़ेगा, लाइक जैसे कि ये जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हो पाए, बोथ ऑफ देम देवर फ्रॉम आर हैंडआउट्स, डायरेक्टली वहां पे दिया हुआ था, कंपैरेटिव स्टडी जब भी हम करते हैं, जैसे मैंने सबको सिखाया कि जब इफ समबडी सेज सोसाइटी, इट्स वेरी इजी टू से द वर्ड सोसाइटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इट, कि होती क्या है, कि एग्जैक्टली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हमने जब बात किया स्टेटस ऑफ वुमेन,
ऑल ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है ये सारी चीजें तो होनी चाहिए स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में, नहीं तो उसमें लिखोगे क्या? यू शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, देन ओनली यू कैन एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स। और ये चीजें हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स, अभी के लिए हमारा फोकस है आप लोग अच्छे से एनसीईआरटीज को मेरे साथ में पढ़ो। ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने की जरूरत है, बस शांति से जो जो टॉपिक क्लास में पढ़ाए जाए उनको कर लेना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली सिलेबस ओरिएंटेड, इट इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज गोइंग टू अफेक्ट यू। लाइक अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि संगम एज में अगर जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ओके यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट कि ओके दिस इज गोइंग टू बी माई डेफिनेशन, ऑलराइट, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिटन इन द इंट्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव मी हाफ ए मार्क्स एक्स्ट्रा देन अदर्स। फिर आपके लिए ये फिक्स एक इंफॉर्मेशन मिली है जो आपने लिखना ही लिखना है। इफ आई टेल यू कि भाई दिस इज अ बॉक्स दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल बिकॉज दिस इज अ वेरी रिपीटेटिव टॉपिक। आप लोग 25 में एग्जाम देंगे या फिर अगर नहीं होता 25 में क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में 26 में देंगे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप लाइटली नहीं ले सकते कि लास्ट में होता है यार, टॉपर्स भी मुझे आके बोलते हैं कि सर लास्ट में हम यहाँ जाके ना सिर्फ लेफ्ट वाला लिख के बैठ गए, है ना, कि कुरिंजी मुलई मरुथाम नेलियार पलई लास्ट में भूल गए कौन सा कोस्टल रीजन था कौन सा रीजन था। अब आपको लिखना है 20 नंबर का क्वेश्चन, अंदर से फिर धक धक हो रहा है ना कि क्या होगा मेरे साथ, और ऐसे बॉक्स बना भी दिया 5x5, बता भी रहे हो कि मुझे नहीं आता है, अब क्या करें। सो इन सम प्लेसेस जस्ट अ बेसिक लॉजिक रट्टा मार लो, कुछ नहीं करना और, बिकॉज दिस इज वन एरिया। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एंशिएंट इंडिया इज देयर मल्टीपल लैंग्वेजेस। जिस रीजन में जाओगे वहां के कीवर्ड आ जाएंगे, तमिलनाडु से कीवर्ड आ जाते हैं, उड़ीसा से कीवर्ड आते हैं, बंगाली से कीवर्ड आ जाते हैं, है ना, अर्ली मिडेवल तक जाएंगे तो कीवर्ड्स हर रीजन के आ जाते हैं, एंड दैट बिकम्स डिफिकल्ट कि आपके संस्कृत के कीवर्ड्स इतने सारे आते हैं। कैटेगरी ऑफ लैंड, अगेन संस्कृत कम्स इनटू द पिक्चर। यू रीड अबाउट वैदिक, अगेन सबसे न्यूट्रल सिविलाइजेशन तो अपनी इंडस वैली है, कोई लैंग्वेज ही नहीं है ना, जो हमें समझ में आई तो अपने हिसाब से प्योर इंग्लिश चलती है, सबसे ईजी है, राइट। तो ये चैलेंजेस आपको साथ में सीखने भी है कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं और इसको हमें फोकस करके निकालना है। सो प्लीज आपको कल तक दे देंगे पूरा शेड्यूल, बिकॉज हम पूरा एक शेड्यूल बना रहे हैं, इंक्लूडिंग योर आंसर राइटिंग सेशन, इंक्लूडिंग इवन सम असाइनमेंट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी जो आप सब लोगों से एक्सपेक्टेड है कि आप लोग करेंगे। बिकॉज देखो आप लोग नहीं करोगे, मेरे से करवाओगे ये सब, तो मैं तो कर चुका हूँ, माई लाइफ इज सेटल्ड, दिस इज यू, दिस इज अबाउट यू, यू हैव टू हार्नेस योर पोटेंशियल, एंड वो हार्नेस तभी होगी जब सही डायरेक्शन में चैनलाइज होगी आपकी एनर्जी, एंड वट वी आर प्लानिंग इट्स कम्प्लीटली न्यू, इट्स समथिंग विच इज गोइंग टू बी प्योर मेक यू एग्जाम रेडी, और एग्जाम रेडीनेस ही मैटर करती है क्लासेस करने के बाद, बाकी सब चीज़ें तो ज्ञान तो बहुत लोग दे देंगे, ज्ञान का कुछ एंड नहीं है। इवन आफ्टर सेलेक्शन आई एम रीडिंग एनसीईआरटी, ज्ञान तो जब मन करे तब ले सकते हो, बट वट मैटर्स इज वेन देर वॉज अ स्पेसिफिक फाइट आप कितने प्रिपेयर थे, दैट इज वट मैटर्स एज अ स्टूडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यू थिंक अबाउट योर करियर, थिंक अबाउट हाउ टू मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ, सो बी वेरी वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दिस, अच्छे से करो, एंड आई होप कि अगर ये हम अच्छे से पहले स्टेप कवर कर लेंगे तो आगे के जो भी सेक्शन आप लोगों का बचा हुआ है एंशियंट मिडियबल, you're not going to face any challenge with respect to this, just for the sake of ki ye kahan kahan se li, ye ppt mein aap logo ke sath share kara denge, telegram se aap download kar sakte ho, you'll also understand ki yaar ki agar future mein aapko khud dekhna hai ki ha kahan kahan se question aa rahe hain, to you'll also understand ki this is how it is done. to ye aapki teen ncrts ye wali hai aur teen ye tamil nadu wali scrts ko bolte hain, department of school education, aur ye zyada isko updated rakhte hain, and that's something we have to give compliment to them. They are able to produce some new knowledge for us, which is very exam oriented. और UPSC को भी दिखती होंगी naturally. और जब दिखती है तो फिर question आते हैं. आपने देखा है last 2 years से prelims में संगम का keyword पूछा जा रहा है. संगम का keyword पूछा जा रहा है. क्यों? Update है. नया update करके रखते हैं ये लोग. And that's how it is. उनको भी लगता है ना कि हाँ थोड़ा थोड़ा हटके कुछ तो question बनाए. ठीक है? सो ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कैरी ऑन, है ना, अच्छे से पढ़ाई शुरू करो। अभी अपना
जीएस के लिए भी कुछ कुछ सेशंस आएंगे, आप लोगों को जो जो चीज की रिक्वायरमेंट होगी विल हेल्प यू आउट इन दैट ऑल्सो। इसका शेड्यूल हम आपको देंगे, ऑनलाइन भी दे देंगे कि भाई ये टाइम पे आपने इसको करना है। ऑल द न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो हु हैव जॉइंड अस इन आवर फाउंडेशन कोर्स, आपको भी अच्छे से डिटेल देंगे। इनफैक्ट आपका मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन भी करेंगे, बिकॉज अभी थोड़ा मेरा वो टाइम आता है लाइफ का जिसमें थोड़ा फ्री होता हूँ, है ना, जिनमें आप लोगों की जो डाउट्स होती हैं, कुछ अननेसेसरी कुछ नेसेसरी, दोनों को सॉल्व करना भी जरूरी है टाइमली, कि आंसर राइटिंग करें क्या, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आंसर राइटिंग करेगा, नहीं बेटा बिल्कुल मत करो फैकल्टी को भेज देना, मुन्ना भाई MBBS चल रहा है ऐसे नहीं होगा, आपको नेसेसरी डाउट्स भी लेके आने हैं अच्छे से, आप लोग भी सारे ठीक है तरीके से इसको करना शुरू करो मेरे साथ, जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है इस टाइम पे, बिकॉज जून के टाइम पता क्या होता है, सांस लेने का टाइम भी नहीं होता, यहाँ से ऑप्शनल में कि जो बच्चा मेंस लिख रहा है वो रोज सर प्लीज मेरी लाइफ, है ना, मेरा पेपर मुझे लिखना है, ये करना है, सो इट बिकम्स वेरी हेक्टिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू गिव एडिक्वेट टाइम। ये ऐसा टाइम है जिसमें आप तरीके से हर चीज छोटे छोटे लेवल पे कर सकते हो, सो मेक श्योर ऑल ऑफ यू डू योर लेवल बेस्ट, इसको फॉलो करना जो हम प्लान बनाएंगे आप लोगों के लिए, और टाइमली NCERTs वगैरह को रीड करना है जो जो हम आपको पोर्शन बताएं, और नोट्स नहीं बनाने हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मुझे ये डाउट नहीं आना चाहिए सर नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, नोट्स नहीं बनाने हैं, बिकॉज नोट्स बनाने जाओगे ना तो फिर वो पंचवर्षीय योजना वाली सिचुएशन हो जाती है कि एक NCERT करते करते 15 दिन खराब कर दिए और फिर कह रहे हो सर अब तो 25 बाकी हैं, है ना, लिटरली बन जाओगी ना। अब आप देखो अगर मैं आपका टाइमलाइन देखूं, एक NCERT करने में कितना टाइम लेते हो, 2 हफ्ता इतना लगा लेते हो ना, इतने तो हो स्किल्ड ना, इतना तो लगा लेते हो, अगर 25 NCERT करनी पड़े तो 1 साल तो निकल गया, 1 साल तो निकाल ही दोगे अगर मैं इतनी NCERT पढ़ने के लिए आप लोगों को बोल दूं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पहले क्लास कर लीजिए, फिर जो लिमिटेड उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो आपको मार्क करा दिया जाएगा क्लास में, सिर्फ उतना ही आप पढ़ेंगे। डोंट रीड एवरीथिंग फ्रॉम द कवर टू कवर, दैट इज नॉट हाउ दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी। आपको इस एग्जाम में ये सीखना है कि मेरे को उन्होंने हरप्पन सिविलाइजेशन टॉपिक लिखा हुआ है, अब मैं ये बैठ के पढ़ूं व्हाई इज हिस्ट्री रेलिवेंट, तो मेंस में नहीं आने वाला, व्हाई शुड वी रीड हिस्ट्री, है ना, वो सब नहीं आने वाला मेंस में। पूछेगा आपसे इंडस वैली पे, पूछेगा आपसे गुप्ता पे, पूछेगा आपसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे ही, और उसी के लिए ही लिमिटेड लेवल पे पढ़ाई करो, और जो भी आप लोगों के बेसिक डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करता जाऊंगा किसी भी लेवल के, कि व्हाट इज एन एडिक्ट, क्यों इंस्क्रिप्शन इससे अलग होता है लिटरेचर से, ऑल सच डाउट्स ऑल्सो कम व्हेन वी गो फॉर द क्लासेस, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड इसको स्टार्ट करो, आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा, पढ़ने का मन करे अभी कोई एक NCERT तो आई विल रिकमेंड ओनली वन फॉर नाउ, दैट इज NCERT ऑफ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, इसको आप पढ़ सकते हो, इसमें सिर्फ 4 चैप्टर है, ठीक है, सिर्फ 4 चैप्टर है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये थोड़ी सी हायर ऑर्डर लेवल के लिए लिखी गई, ठीक है, तो पढ़ना चाहो तो सिर्फ एक NCERT इसको पढ़ लो, बाकी सारी हम क्लास में कवर करते हुए चलेंगे, टाइमली आपको सब कुछ देंगे, और जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स है सबको आपको देखो हैंडआउट वगैरह कुछ नहीं है इसका, अब जबरदस्ती हैंडआउट की आदत पड़ गई है कि हमें दे दो कुछ तो दे दो, मजा नहीं आता ऐसे, है ना, पढ़ाई करने में हैंडआउट कुछ नहीं होगा, PPTs मिलेंगी, उसी को पढ़ो उसी को रीड करो, अच्छे लेवल की PPTs बनी हुई है, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, कंटिन्यूटी के साथ में कि इस सिलेबस में ये है ऐसे ऐसे कर करके, तो बहुत अच्छे लेवल पे हम लोगों ने बना लिया उसके लिए, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, विल मीट वेरी सून।